कॉस्ट को भी ले रहे हो 5 करोड़ की। यस सर। तो आप ही बोल रहे हो 7 करोड़ बनाने में ये कॉस्ट है, 1 करोड़ बनाने में ये कॉस्ट है, गलत है क्योंकि ये तो सिर्फ 1 साल की कॉस्ट है। तो ये कैसे दिख रही है पर ईयर कॉस्ट पर किलोमीटर निकालेंगे? पर किलोमीटर, यस सर, पर किलोमीटर निकाल रहे हैं तो गलत है क्योंकि अपने बोल रहे हैं कि 1 करोड़ बनाने में क्या कॉस्ट है, तो गलत है। तो अब हम आज का लेक्चर नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये ताली बजाने का शौक है, मालूम है मुझे क्या त्योहार आ गए हैं। चले तो प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की, ठीक है। चले तो हम लोग चालू करते हैं। और प्लीज सुनिए, जीरो नॉइस, पीछे से लेके आगे तक एकदम आवाज बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। लास्ट में भाई मोबाइल रख दो एकदम नीचे पीछे साइड में, ठीक है। इधर देखो अब ध्यान से, और मोबाइल साइड में रख दो, बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक करके साइड में रख दो, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, हम लोग आज जो नया चैप्टर चालू कर रहे हैं ना, इट्स एन इजी चैप्टर, हम लोग एक आसान चैप्टर चालू कर रहे हैं। मैंने पहले सोचा था बजट करवाऊंगा या कुछ ऐसा करवाऊंगा, पर फिर मैंने सोचा एक ऐसा चैप्टर ले लेते जो आपके सिंगल एंट्री के जैसा है, जिसमें पूरी की पूरी अकाउंटिंग है सिंगल एंट्री की जैसी। अकाउंटिंग कैसी है? बेसिकली जैसे आप लोग फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हो ना, बहुत सारे लेजर्स बना के ट्रायल बैलेंस बनाते हो, जस्ट लाइक सिंगल एंट्री, वैसे ही यहां पे भी हम लोग कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स तैयार करेंगे। कॉस्टिंग के भी रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, जैसे अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स बनते हैं ना, वैसे कॉस्टिंग की भी अकाउंटिंग होती है। क्योंकि देखो आज हम जो जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे वहां पे हमको दिया हुआ था कि साहब इतनी कॉस्ट लगी, इतना मटेरियल लगा, इतना लेबर लगा, इतने ओवरहेड लगे, इतनी सेल हुई, इतने का एडमिनिस्ट्रेशन लगा। तो ये कहां से आया रिकॉर्ड? ये रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मेंटेन तो हुआ होगा ना, तब जाके तो हम उसकी कॉस्ट शीट तैयार कर पाएंगे, तब जाके हम उसकी प्रोसेस अकाउंट्स बना पाएंगे, तब जाके हम उसकी कॉस्टिंग कर पाएंगे, तब जाके हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स बना पाएंगे। ये सब बनाने के लिए फर्स्ट वी नीड प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द कॉस्ट, ऑल द एंट्रीज, सारी चीजों की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, सारे लेजर्स प्रॉपरली बनेंगे, तभी तो जाके हम कॉस्टिंग कर पाएंगे। तो जैसे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के साथ, वैसे कॉस्टिंग में भी आपको पहले क्या करनी पड़ती है? रिकॉर्डिंग, तब जाके आपको पता पड़ेगी कि प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट क्या है। और उसके लिए हमारे पास जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। चैप्टर का नाम है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तीन टुकड़े हैं इस पूरे चैप्टर के। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स है, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स है, और तीसरा पार्ट जो इस चैप्टर का है दैट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तीन टुकड़े हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कौन सी कैटेगरी का चैप्टर है? बी, आई कैन नॉट से ए कैटेगरी चैप्टर। ए कैटेगरी चैप्टर में प्रोसेस कॉस्टिंग बिल्कुल था, मटेरियल कॉस्टिंग बिल्कुल था, लेकिन इस चैप्टर को मैं कौन सी कैटेगरी में रख सकता हूं? डी कैटेगरी के अंदर रख सकता हूं। कि ये चैप्टर कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, पर अब जैसे 100 नंबर का पेपर है तो और अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 क्वेश्चन पूछने होते हैं तो इस चैप्टर का नंबर आजकल लग जाता है। इस बार भी एग्जाम में था, उसकी पिछले अटेम्प्ट में भी था, तो पर हाँ ऐसे देखा जाए कि आना ही आना है तो मैं बोलूंगा बी कैटेगरी का चैप्टर। पर अपने को ऐसे भी सारे चैप्टर को बराबर तवज्जो देनी है, क्योंकि देखो कोई भी आ गया तो सीधे 10 नंबर में इंपैक्ट करेगा,
तो अपने को कोई भी को चैप्टर छोड़ना है ये तो सवाल ही नहीं उठता है। मॉड्यूल की एक भी चीज मैं आपको नहीं छुड़वा सकता, ये आप मान के चलना, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर उठा के एक क्वेश्चन 5 या 10 नंबर का दे देंगे तो आपका दिमाग एग्जाम में देखते ही खराब हो जाएगा। तो आपका टेम्परामेंट बनाने के लिए भी हर चीज पढ़ना पड़ती है, कि चाहे आप वो क्वेश्चन ना भी करो, चाहे ऑप्शन में छोड़ दो, पर अगर आपने क्वेश्चन देख लिया तो आपका आधा टेम्परामेंट तो वही लूज हो जाएगा कि यार ये तो मेरे को आता ही नहीं है, क्या होगा मेरा। तो इसलिए आपको सब एक बार करके जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ने का है, ठीक है। तो द चैप्टर इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड बेसिकली दीस आर कॉल्ड कॉस्ट रिकॉर्ड्स। इनको हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स बोलते हैं। यहां पे हम कॉस्ट के रिकॉर्ड्स बनाना सीखेंगे, डबल एंट्रीज पास करके इसकी जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, उसके बाद हम लेजर्स कैसे बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं वो सब सीखेंगे। तो आपको थोड़ी थोड़ी फीलिंग 11वीं 12वीं से आना चालू हो जाएगी, क्योंकि जैसे 11वीं क्लास में आपको, क्या आपको 11वीं या 12वीं कहां पे जर्नल एंट्री सिखाई थी? 11वीं क्लास में आपके क्लास टीचर ने थोड़े दिन तो अकाउंट्स के डेफिनेशन, अकाउंट्स के फायदे, गोल्डन रूल ये सब बताए होंगे, उसके बाद फाइनली आपको जर्नल एंट्रीज डिस्कस करना चालू करी होगी। बताया प्राइमरी बुक्स होती है, सेकेंडरी बुक्स होती है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, बहुत फलाना 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 चीजें बताई होगी। हम लोग एक्चुअली इतने बेसिक से ना स्टार्ट करके, मैं आपको नहीं बताऊंगा व्हाट इज टू बी डेबिट एंड व्हाट इज टू बी क्रेडिट, ये आपको पता है कि क्या चीजें डेबिट होती है क्या चीजें क्रेडिट होती है। पर हाँ, हम लोगों को जर्नल एंट्रीज से चालू करना पड़ेगा। द रीजन बीइंग इज कि हमारे पास यहाँ पे लेजर्स ही अलग नाम के, यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज एक्सपेंसेस ऐसे लेजर ना हो गए, कुछ अलग अलग नाम से लेजर हैं, तो इसलिए हम लोगों को इसके लिए अलग से सारे लेजर्स पढ़ने पड़ेंगे। पर सबसे पहले सर दो नाम ही हमको समझ में नहीं आ रहे, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड, इनका नाम का मतलब क्या हुआ सर? आप हमें सबसे पहले ये बताओ। देखो एक मिनट, पता है किसी भी कंपनी में दो तरह की बुक्स होती है, एक होती है फाइनेंशियल बुक्स और एक होती है कॉस्ट बुक्स। दो तरह की रिकॉर्ड्स कंपनी में बनाए जाते हैं, एक होता है अकाउंट्स जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल बुक्स, और एक होती है कॉस्ट बुक्स जहां पे हम कॉस्ट की अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। सर दोनों में फर्क क्या है? मैं आपको बताता हूं, दोनों के सबसे बड़ी बात है ऑब्जेक्टिव में एक बहुत बड़ा फर्क है। फाइनेंशियल बुक्स बनाई जाती है एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, ऑफ कोर्स इंटरनल भी होता है, पर मेजर यूजर कौन होता है इसका? एक्सटर्नल, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, लॉ मेकर्स, इन लोगों को फाइनेंशियल बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको बता दूं कॉस्ट बुक का मेजर मेजर यूज पता है क्या है? इंटरनल, क्योंकि इंटरनल क्यों होता है? द रीजन बीइंग इज कि आप अपना असेसमेंट करना चाहते हो कि मैं अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे और कम कर सकूं, मैं अपनी प्रोडक्ट को कितने में बना रहा हूं, हाउ टू रिड्यूस दिस कॉस्ट, हाउ टू कंट्रोल दिस कॉस्ट, दैट इज द मोटिव। आज आप बोलोगे शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर को कॉस्ट से मतलब नहीं है, चाहे उनकी कॉस्ट रिपोर्ट शेयर होल्डर को भी जाती है, पर शेयर होल्डर कॉस्ट रिपोर्ट पर इतना ध्यान नहीं देता है। उसका कारण यह है कि कॉस्टिंग कम करना ना करना है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। शेयर होल्डर को कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से मतलब है, शेयर होल्डर को कंपनी की डिविडेंड से मतलब है, शेयर होल्डर को कंपनी के प्रॉफिट से मतलब है। कंपनी कम कॉस्ट में बनाएगी इससे शेयर होल्डर को कोई मतलब नहीं है, जबकि देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में वो चीज भी इफेक्ट करेगी। आज अगर कंपनी अपना प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर दे तो ऑफकोर्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी, पर शेयर होल्डर इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखता है। ये मेजर यूजर कॉस्ट रिकॉर्ड्स का कौन होते हैं? मैनेजमेंट खुद, इंटरनल खुद, मतलब ऑर्गेनाइजेशन खुद सबसे बड़ा यूजर है कॉस्ट रिकॉर्ड्स का। वो दूसरों के नहीं लिए, अपने लिए कॉस्ट अकाउंट्स तैयार करता है ये देखने के लिए कि मैं इस काम को और कितने कम में कर सकता हूं, कैसे मैं कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता हूं, ठीक है। तो इसकी ऑब्जेक्टिविटी टोटल मिला के फाइनेंशियल से बिल्कुल अलग है, और इसीलिए मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, यहां पे कई सारे अकाउंट्स जो हम फाइनेंशियल में बनाते हैं यहां पर उसकी जरूरत ही नहीं है। कौन कौन से? पहली बात, यहां पे रियल अकाउंट्स आएंगे ही नहीं, कॉस्ट बेसिकली नॉमिनल अकाउंट्स से चलती है। नॉमिनल अकाउंट मतलब सेल्स एंड एक्सपेंसेस, कॉस्ट को किससे मतलब है? खर्चों से। कॉस्ट क्या करता है? कॉस्ट क्या करता है? कॉस्ट क्या क्या काम, कॉस्ट में हम क्या निकालते हैं? एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा हुआ,
तो मजेदार बात सुनना, कितने तीन तरह के अकाउंट होते, कौन कौन से? पर्सनल, मैं आपको बता दूं यहाँ पे पर्सनल अकाउंट भी नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ कौन से अकाउंट आएंगे? नॉमिनल। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनो, पर्सनल और रियल अकाउंट का यूज कंपनी के 31 मार्च की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए काम आते हैं, क्योंकि पर्सनल और रियल अकाउंट्स पीएनएल में जाते हैं, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में, और कॉस्ट में बैलेंस शीट बनती नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने का काम किसके लिए किया जाता है? स्टेक होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, इवन मैनेजमेंट के लिए भी होता है। तो भैया ये काम फाइनेंशियल कर रहा है ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन बनाता है? फाइनेंशियल। 31 मार्च को फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कौन बताता है? फाइनेंशियल। कॉस्ट का ये काम थोड़ी है, रिपीटेड काम क्यों करेगा कॉस्ट? कॉस्ट को उस काम से मतलब है जो फाइनेंशियल नहीं करता है। एक प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आई है, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना गुड्स का कॉस्ट आया है, ये सब कौन बताता है? कॉस्ट अकाउंट्स। और इसीलिए कॉस्ट के अंदर हम लोग पर्सनल और रियल अकाउंट्स ओपन ही नहीं करते। हम लोग यहां पे कौन से अकाउंट ओपन नहीं करेंगे? सबसे अच्छी बात, कैश अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जेब से खर्चा हुआ है वो मायने रखता है, किस फॉर्म में दिया है वो मायने नहीं रखता है। कैश में दिया हो, बैंक से दिया हो, उधार लिया हो, कॉस्ट को इससे मतलब नहीं है। कॉस्ट को इस बात से मतलब है कि तूने 10,000 का खर्चा किया, अब वो किस फॉर्म में किया वो फाइनेंशियल ध्यान रखेगा। आप इसको ऐसे समझ लो कि आपको पता है एक घर में भी दो तरह की अकाउंटिंग होती है, एक जो पापा करते हैं और एक जो मम्मी करती है। मम्मी का भी अपना हिसाब चलता है और पापा का भी अपना हिसाब चलता है। एक हाउसवाइफ की बात कर रहा हूं मैं, मेरे को बताओ जो हाउसवाइफ मदर है उनका हिसाब क्या रहता है, किस चीज का रहता है? किचन के खर्चों का, घर चलाने के खर्चों का। घर चलाने के खर्चों का हिसाब नॉर्मली कौन रखते हैं? मम्मी या पापा? मम्मी रखती है। पापा मम्मी को हर महीने एक फिक्स अमाउंट पे कर देते हैं, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए, और बोला इसमें घर चलाओ। अब मम्मी उसमें कसर निकाल निकाल के घर चलाती है और उसमें से ही पैसा बचा के रखती है जो आगे जाके साड़ी और ज्वेलरी खरीदने में काम आता है। ठीक है, तो मुद्दा यह है कि मम्मी का पूरा हिसाब किताब, मम्मी का पूरा हिसाब किताब खर्चों पर रहता है। मम्मी को मार्केट में कितना लेना है, पापा को कितना देना है, उसका हिसाब नहीं है। ये किसको पता है? पापा को। किस आदमी से कितना लेना है, किस आदमी को कितना देना है, किसने कितना आपसे ले रखा है, आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, आपको कितना कैश पड़ा है, कितना बैंकों में पड़ा है, ये सब हाउसवाइफ मदर की बात कर रहा हूं। एक हाउसवाइफ मदर के पास नहीं है, उनको किस चीज का हिसाब है कि मैंने इस महीने में 50,000 रुपए में अपना पूरा घर चलाना है और उसमें से ही पैसे जितने बच जाए उतने बचाने हैं। तभी मम्मी वो 5-5 रुपए भी जो सब्जी में बचाती है, क्योंकि उनको मालूम है ये सेविंग्स आगे जाके उनको ज्वेलरी में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो पापा वो बोलेंगे नहीं, अपने को ज्वेलरी 1 लाख के लेनी और 1-10 की पड़ रही, तो मम्मी बोलेगी 10 में मिलाती हूं, तो 10 कहां से आएंगे? इसी में से बचत से निकल के आएंगे। ओके, सो मम्मी का काम कॉस्टिंग जैसा है और पापा का काम फाइनेंशियल जैसा है। मम्मी को बाहर कितना उधार देना है, कितना लेना है, पापा उल्टा बोलते तू क्यों देखती है, मैं देख लूंगा, तेरे को क्या टेंशन है, तेरे को तो घर चलाना है, बाहर वालों को कितना लेना है, कितना देखना है, ये सब मेरा काम है। इन्वेस्टमेंट कहां करना है, प्रॉपर्टी कहां होगी, कंपनी के पास कितना पैसा है, नेटवर्क क्या है, ये सब पापा का काम है। आई एम जस्ट सेइंग, टिपिकल एक इंडियन हाउसवाइफ की बात कर रहा हूं। आजकल सब लोग एक्टिव हो गए हैं तो सब लोग इक्विवेलेंट हो गए, लेकिन एक अपन टिपिकल बात करें सिर्फ इमेजिनेशन के लिए, तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि पापा का फाइनेंशियल अकाउंट्स के जैसा वर्क है और मम्मी का कॉस्ट अकाउंट्स के जैसा वर्क है। तो जैसे मम्मी का काम होता है पैसे बचाने के लिए एक हिसाब रखना, वैसे कॉस्ट अकाउंट का काम भी होता है कैसे कॉस्ट को कम किया जाए उसके लिए पूरा हिसाब रखने का। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए हमें भी यहां पे ध्यान रखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स टू बी मेंटेन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फाइनेंशियल बुक्स एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड कॉस्ट बुक्स। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज भी दे देता हूं, वो चीज आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं। कॉस्ट बुक्स को कंपनीज एक्ट के अंदर भी मैंडेटरी किया हुआ, अगर आपको मालूम हो तो। सेक्शन 148 पे आए क्या अभी आप? नहीं आए। मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसी वैसे आपके सिलेबस में नहीं होगा क्योंकि अरे सेक्शन 148 है, लेकिन 148 के साथ एक रूल्स अटैच्ड है, कॉस्ट ऑडिट रूल्स 2014, उसके अंदर बताया हुआ है कि कौन सी कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना मैंडेटरी होता है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं नॉलेज के लिए सिर्फ आपको बता देता हूं कि जिन कंपनीज का टर्नओवर
50 करोड़ के ऊपर होता है, वो भी कुछ सेक्टर्स है. सेक्टर्स इज लाइक पावर सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, और ऐसे करके टोटल 12-13 सेक्टर्स हैं. उन कंपनीज का टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर जाता है तो उन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं. डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज, आर्टिलरी फैक्ट्रीज, सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रीज, जूट बनाने वाली फैक्ट्री, शुगर मिल्स, उन सब के ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स की दायरा आता है. लेकिन वो भी कब, जब टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर जाता है. तो वो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, नॉलेज के लिए आप ध्यान रख लेना कि कंपनीज का टर्नओवर अगर 50 करोड़ को क्रॉस करता है तो फिर आपके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की दायित्व लॉ के अंदर आ जाता है. अदरवाइज कंपनी बनाती है लेकिन इंटरनल पर्पस के लिए बनाती है. स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तब आता है जब टर्नओवर आपका 50 करोड़ और एक स्पेसिफाइड सेक्टर के अंदर आप आते हो. तो अभी अपने को उस पर फोकस करना है कि हमारी कंपनी दो तरह के रिकॉर्ड्स बनाती है, फाइनेंशियल और कॉस्ट. एक मिनट, अब एक चीज है सर, दोनों में नॉमिनल अकाउंट्स के खर्चे तो एक जैसे आएंगे पर फाइनेंशियल में रियल और पर्सनल और आएगा, जबकि कॉस्ट में सिर्फ नॉमिनल आएगा, रियल और पर्सनल. तो भैया ये बुक्स दो तरीकों से बनाई जा सकती है. एक तरीका तो ये कि इसको और इसको पूरी तरह से अलग अलग बनाया जाए, मतलब हर चीज की एंट्री दो दो बार होगी, फाइनेंशियल में अलग और कॉस्ट में अलग. सैलरी पे करी तो यहां पे सैलरी अकाउंट डेबिट होके पीनल में जाएगा, यहां पे लेबर के नाम से जाएगा. अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा तो यहां पे परचेस के नाम से आएगा, यहां पे भी रॉ मटेरियल परचेस के नाम से आएगा. आपने कोई एक्सपेंसेस इनकर किए तो यहां पे एक्सपेंसेस के नाम पे आएगा पीनल में, यहां पे ओवरहेड्स के नाम पे जाएगा. तो हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री आप अलग अलग पास कर सकते हो, जहां पे आप दोनों की बुक्स एक साथ ना बना के दोनों की बुक्स अलग अलग तैयार करो. क्योंकि दो डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल अपना डिपार्टमेंट संभालता है, कॉस्ट अपना डिपार्टमेंट संभालता है. दोनों अपने कागज अपने रिकॉर्ड अलग अलग बनाते हैं, दोनों की बुक सेपरेट सेपरेट बनती है. ऐसे केस में उसको हम नाम देते हैं, जब दोनों की बुक सेपरेट सेपरेट बनती है तो हम उसको बताए क्या नाम देते हैं, हम उसको नाम देते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स. इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ है अलग अलग. जब दोनों की बुक्स को अलग अलग बनाया जाता है, सेपरेट सेपरेट मेंटेन किया जाता है, तो ऐसी मेथड ऑफ अकाउंटिंग को हम क्या नाम देते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स. तो आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा इंटीग्रेट का मतलब. हाँ, एक्चुअली कई कंपनीज का ऐसा मानना है जब नॉमिनल अकाउंट्स दोनों में आ रहे हैं, अल्टीमेटली दोनों में खर्चा तो वही है ना, एक ही चीज को मैं दो अलग अलग बार रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूं, मैं डुप्लीकेसी क्यों कर रहा हूं, तो कई कंपनीज दोनों की एक ही बुक्स बना लेती है. और जब दोनों की एक ही बुक्स बनाई जाती है तो फिर ऐसी अकाउंटिंग को हम क्या नाम देते हैं, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स. मतलब एक ही बुक्स के अंदर कॉस्ट और फाइनेंशियल दोनों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. क्योंकि आज मैंने सैलरी पे करी तो बस नाम ही तो बदल रहा है, अल्टीमेटली खर्चा तो वही है ना, कॉस्ट में भी वैसे ही रिकॉर्ड होगा और फाइनेंशियल में भी वैसे ही होगा. आज मैंने एक्सपेंसेस किए तो फाइनेंशियल में एक्सपेंस के नाम पे आएगा, कॉस्ट में ओवरहेड के नाम पे आएगा, पर खर्चा तो वही है ना. तो डबल डबल एंट्री पास करने की जगह आप एक ही बुक्स में भी दोनों का काम कर सकते हो. ऐसी बुक्स अगर बनाई जाती तो हम उसको क्या नाम देते हैं, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स. तो दो तरह की बुक्स में बनाई जा सकती है, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स को भी दो तरीकों से, दो अलग अलग मेथड से बनाया जाता है, जा सकता है. एक कहलाता है नॉन इंटीग्रेटेड और एक कहलाता है इंटीग्रेटेड. अगर हम उस एग्जांपल पे चले तो मम्मी अपना हिसाब पूरा अलग रख रही है, पापा अपना पूरा हिसाब अलग रख रहे हैं, तो नॉन इंटीग्रेटेड. और मान लो किसी आदमी की शादी नहीं हुई तो सारा हिसाब एक ही को रखना है तो वो क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटेड. वहां पे दो लोग ही नहीं हिसाब रखने के लिए, तो जितना भी ग्रोसरी का खर्चा है वो भी उसी को मैनेज करना है, और जितना ही बाहर का है उतना भी उसी को मैनेज करना है, तो वो फिर क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटेड. सिंपल है. तो एक ही बुक्स में अगर बनाएंगे तो इंटीग्रेटेड, और दोनों का अलग अलग रखेंगे तो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स. पहले बताओ यहां तक की बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई पूरी अच्छे से? आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आ गई. किसको बहुत अच्छे से आ गई? अच्छा, हर्ष को बहुत अच्छे से आ गई, क्या बात है. अब मुद्दा क्या आता है, क्या? अच्छा, वो खुद इंटीग्रेटेड है, सब इंटीग्रेटेड ही, अपन यहाँ पे कौन नॉन इंटीग्रेटेड है. ठीक है, चले तो मैं भी इंटीग्रेट में ही आता हूँ ना, मैं कौन सा नॉन इंटीग्रेट में आता हूँ, नहीं मैं तो हिसाब ही रखता हूँ ना, तो कहाँ से इंटीग्रेटेड और कहाँ से नॉन इंटीग्रेटेड. ठीक है, तो अब मुद्दा ये है कि
सुन ले आगे क्या क्या सुनो क्या क्या सर आप तो क्या सर आप तो बात ही समझ में नहीं आई मेको समझ में नहीं आई बात ऐसा उसको समझ में नहीं आई बात ओके तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दोनों की बुक सेपरेटली बनेगी तो कहलाएंगे नॉन रिलेटेड दोनों की बुक साथ में बनेगी तो कहलाएंगे इंटीग्रेटेड पर सर अब एक और चीज है इसमें रिकंसिलेशन ये क्या है एक मिनट कोई बताएगा रिकंसिलेशन क्या होगा कोई सोच के बताएगा जब दोनों की बुक्स अलग अलग बन रही है कहां पे इंटीग्रेट में नॉन डिग्रेड में नॉन डिग्रेडेड में तो दोनों के प्रॉफिट भी अलग अलग आएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा रिकंसाइल ये चेक करने के लिए कि दोनों में जर्नल एंट्री सही पास हुई है या नहीं हुई है वो भी हम करेंगे पर वो तब कर पाएंगे जब पहले हम दोनों तरह की बुक्स के बारे में पढ़ लें पर हाँ एक चीज है इंटीग्रेटेड में रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी बताओ क्यों नहीं पड़ेगी क्योंकि जब बुक्स ही एक है तो प्रॉफिट भी एक है लेकिन जब बुक्स दो अलग अलग है तो प्रॉफिट भी दो अलग अलग है तो उसको क्या करना पड़ता है रिकंसाइल तो नॉन इंटीग्रेट अकाउंट्स के साथ रिकंसिलेशन भी बनता है दोनों की बुक्स को रिकंसाइल करने के लिए लेकिन पहले हमें नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा तब जाके हम फिर बात कर पाएंगे कि उनका रिकंसिलेशन कैसे होता है सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं एग्जाम में 95% नॉन डिग्रेड आता है आज तक पिछले 12 अटेम्प्ट में कभी इंटीग्रेटेड नहीं आया है 12 अटेम्प्ट में पर हाँ मॉड्यूल में दिया है तो हम करेंगे मॉड्यूल में दिया है तो ऑफ कोर्स हम करेंगे पर एग्जाम में नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स ही ज्यादा आते हैं इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेट से इजी है और आसान है पर एग्जाम में कौन से अकाउंट्स आते हैं नॉन इंटीग्रेटेड एग्जाम में इंटीग्रेटेड अकाउंट्स बहुत रेयरली चांस है पर हाँ फिर भी मैं उसके 2-3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा नॉन इंटीग्रेट की कम से कम 8-10 क्वेश्चन करने वाले हैं तो हम लोग चालू करें सबसे पहले कहां से नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स से तो चलिए ये लिख लीजिए थोड़ा बहुत जो भी आपको लिखना हो और लिखने के बाद फिर हम डिस्कशन चालू करते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स से नोट कर लीजिए
अगेन हम इस टारगेट के साथ चलेंगे कि इस वीक के एंड तक हम इस चैप्टर को खत्म कर लें, ये टारगेट हम लोग चलेंगे। तीनों की बात करूंगा मैं, एक ही पूरा चैप्टर ही अपने आप में नॉन डिग्रेड इंडिग्रेड एंड रिकंसिलेशन है, तो विल डेफिनेटली ट्राई, कोई जल्दबाजी नहीं है आपको। देखो जहां लगे स्पीड ज्यादा है प्लीज लेट मी नो, आपको ऐसा लग रहा है कि स्पीड ज्यादा है? नहीं है ना, आप बराबर चल रही है? अगर आपको लगे कि नहीं स्पीड बहुत फास्ट हो रही है सर थोड़ा स्लो करो, तो आप मेरे को बता दीजिएगा। अभी फास्ट लग रहा है क्या आप लोगों को? लग रहा हो तो प्लीज लेट मी नो, कितने लोगों को लग रहा है स्पीड फास्ट है प्लीज बता सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे घबराने में से डर लगता है क्या गाड़ी देख के? ठीक है, नहीं लगता है ना, ठीक है फिर ठीक है। नहीं बच्चे डर जाते हैं मेरे को देख के, इसलिए मुझे लगा कि तुम लोग डर जाते हो क्या मेरे को देख के, दाढ़ी वाड़ी देख के बाबा आ गए कहीं से, है ना? नहीं ना, हो गया चले। तो देखे तरुण से डर लगता है, उनके दाढ़ी भी नहीं है। चले तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और प्लीज सुनिएगा, सुनिए प्लीज। तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले ना, सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कॉस शीट से निकल के आता है। आपको कॉस शीट का फॉर्मेट याद है क्या? सबसे पहले आती है रॉ मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंसेस, तो क्या निकल के आता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो क्या निकल के आते हैं? यस, उसमें जोड़ के आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। WOP एडजस्ट करेंगे तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करेंगे तो आएगा COGS। और उसके बाद उसमें अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे तो आएगा COS। और फाइनली उसके बाद हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आ जाएगा सेल्स। कुछ याद आ रहा है? अब मेरी बात सुनो, उसी कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को अगर मैं यहां पे रखूं तो उसे बस अकाउंट्स के फॉर्म में टुकड़े टुकड़े करके अपने को डालना पड़ेगा, तो वो हमारा नॉन डिग्रेड अकाउंट्स बन जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले जो पहला अकाउंट नॉन डिग्रेड के अंदर हम लोग तैयार करते हैं, दैट अकाउंट इज कॉल्ड स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, या इसका एक और नाम है सिंपल, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी कॉस्ट में अकाउंट बना रहे ना उनके साथ हम यूज करते हैं कंट्रोल, बिकॉज द पर्पस ऑफ मेकिंग अकाउंट्स इज कॉस्ट कंट्रोल। सो जितने भी लेजर्स हम लोग कॉस्ट के अंदर तैयार करते हैं, वी ऑलवेज वर्ट द यूज कंट्रोल, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, ये सबसे पहला अकाउंट होता है। ये जो अकाउंट है बेसिकली ये रॉ मटेरियल का अकाउंट है, रॉ मटेरियल का अकाउंट है मतलब इसमें जितनी भी इन्वेंट्री आती है और जाती है उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो इस अकाउंट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले इस अकाउंट में आएगा ओपनिंग बैलेंस, और इधर आएगा क्लोजिंग बैलेंस। आप मुझे बताओ ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस और रॉ मटेरियल अकाउंट इंडिकेट्स व्हाट? सोच के बताओ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट इंडिकेट्स व्हाट? ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा? रॉ मटेरियल अकाउंट के अंदर। तो अगर रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया है मतलब इट्स बेसिकली ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और क्लोजिंग दिया है मतलब इट्स ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इधर आती है परचेजेस, और इधर आता है इश्यू। ये इश्यू पता है कैसे निकलता है? अपन ने जो निकाला था कॉस्ट शीट के अंदर कंज्यूम के नाम से, अगर याद करोगे आप, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो अपने आप क्या निकल के आ जाएगा? रॉ मटेरियल इश्यू। नहीं आया समझ में? ओपनिंग प्लस परचेज, अभी बेसिक सर, उसमें जो स्क्रैप भी माइनस करते हैं वो सब बेसिक, बेसिक एकदम बेसिक पे चलो, क्योंकि हम पहले बेसिक समझेंगे फिर अगर एडजस्टमेंट पे आएंगे ना, वो सब मैं जर्नल एंट्री के अंदर आपको लिखवा दूंगा और क्या क्या होती है। पहले सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझना है कि इसकी अकाउंटिंग का एक स्ट्रक्चर क्या है।
स्ट्रक्चर मतलब कहां से स्टार्ट होके कहां पे खत्म होती है अकाउंटिंग, वो समझना है। फिर हम समझेंगे कि इसके अंदर जर्नल एंट्रीज क्या क्या पास होती है, सबको स्पेशल ट्रांजेक्शन आ गया तो उसका क्या होगा। आपको बस बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए, अगर बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो स्पेशल अकाउंटिंग तो आपको आसानी से आ जाएगी, सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग लिखते हैं और परचेज लिखते हैं तो बैलेंसिंग फिगर में अपने आप क्या निकल के आ जाता है, रॉ मटेरियल इश्यूड, रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ प्रोडक्शन को बनाने में, वो यहां से निकल के आता है। सर अब ये कहां जाता होगा, सर ये प्रोडक्शन में जाता होगा, कहां जाता होगा ये प्रोडक्शन में। मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन अकाउंट है, जहां पे प्रोडक्शन होता है, उस अकाउंट का नाम है WIP कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। बेसिकली यहां पे क्या होता है प्रोडक्शन, ये हमारे प्रोसेस अकाउंट की तरह ही है। This is like a process में ही प्रोडक्शन ही होता है ना, इनपुट किया फिर नॉर्मल लॉस निकला, नॉर्मल लॉस निकला और बन गया और क्लोजिंग बच गया, ओपनिंग डब्ल्यू बच गया। तो जैसे प्रोसेस अकाउंट होता है, यहां का जो प्रोसेस अकाउंट है उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, WIP कंट्रोल अकाउंट। ये प्रोडक्शन अकाउंट है, यहां पे बेसिकली प्रोडक्शन होता है। अब सब प्रोडक्शन कहां से होता है, तो प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले तो एक तो ओपनिंग बैलेंस आएगा। बताओ इसका ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या, WIP का ओपनिंग, और इसका क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्या, WIP का क्लोजिंग बैलेंस। अभी जो यहां से इश्यू हुआ, बताइए यहां से इश्यू के कहां जाएगा, WIP के अंदर। तो अपन यहां लिखते हैं टू रॉ मटेरियल कंट्रोल, ये रॉ मटेरियल आया। बताओ प्रोडक्शन में और क्या क्या लगता है, और क्या लगता है बोलो ना, प्रोडक्शन में और क्या लगता है, वेजेस लगती है, वेजेस। तो यहां पे और क्या लगेगा, वेजेस, और क्या लगेगा, फैक्ट्री और एक्स। क्यों फैक्ट्री भी आते हैं, सारे आते हैं, सिर्फ फैक्ट्री आते हैं, क्योंकि हम WIP में सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट तक का डालते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, मैनेजमेंट, ये सब WIP में आते हैं क्या, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट से कोई कनेक्शन थोड़ी है। तो WIP जहां तक एग्जिस्ट होता है फैक्ट्री कॉस्ट तक, सिर्फ वहां तक के खर्चे यहां पर आ जाएंगे। कॉस्ट शीट को ध्यान में रखो पूरा, प्राइम कॉस्ट आ गई, ये प्राइम कॉस्ट है। हाँ अगर कोई एक्सपेंसिव है तो वो भी आ जाएंगे, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसिव है तो वो भी आ जाएंगे। तो देखो ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई और हमने फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिए, हेलो प्राइम कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिए, ओपनिंग WIP आ गया, क्लोजिंग WIP आ गया, तो यहां से बैलेंसिंग फिगर में क्या निकल के आएगा, वो नेट फैक्ट्री कॉस्ट कि अभी तक जो बन गया है उसकी कितनी नेट फैक्ट्री कॉस्ट है। ये बेसिकली आगे जाएगा कौन से अकाउंट में, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट के अंदर। अगला अकाउंट जो बनेगा उस अकाउंट का नाम हम क्या देंगे, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, इसके अंदर जाएगा। क्या नाम देंगे इसका नेक्स्ट, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। और अब हम चलते हैं अगले अकाउंट में जिसका नाम है फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। सबसे पहले इसमें अगेन ओपनिंग बैलेंस आएगा और इसमें भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा। चलो आप मुझे बताओ इसका ओपनिंग बैलेंस, इसका क्लोजिंग बैलेंस किस चीज को इंडिकेट करता है, किस चीज को इंडिकेट करता है, फिनिश गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को। इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस किसको इंडिकेट करता है, फिनिश गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को। तो अगर हम यहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग लिख रहे हैं, मतलब फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें हम यहां पे WIP से डालेंगे, ये बेसिकली हमारी क्या आ गई, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट है ना, ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, ये चारों को जोड़ के ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आई थी, WIP एडजस्ट कर लिया तो ये क्या आ गई हमारी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। एक मिनट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद सीधे ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, कुछ और भी जुड़ता है। हाँ नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एक खर्चा जुड़ता है, कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का, और फिर एडजस्ट, ये बताओ इन दोनों को जोड़ के क्या आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अगर इसमें अपन ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर देते यहां से क्या आएगा, COGS। पर ये कौन से अकाउंट में जाएगी, मैं आपको बता दूं, ये जाएगी COS अकाउंट में। ये है क्या, ये है COGS, लेकिन ये कौन से अकाउंट में जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट के अंदर। पहले बताओ अभी तक समझ में आ रही है, आप कॉस्ट शीट से इसको पूरा मैच कर पा रहे हो,
सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज किया, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट किया तो कंज्यूम्ड आया, कंज्यूम्ड गया यहाँ पे, उसमें अपन ने लेबर जोड़ा तो प्राइम कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट के बाद उसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़े तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, ओपनिंग WIP एडजस्ट कर दिया तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर लिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन से अकाउंट में जाएगा? COS में। या हम लिख लेंगे टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। अब मुझे बताओ इसको COS बनने में एक चीज और जोड़ना बाकी है, कौन से? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो ये हमारा दोनों जुड़ के क्या बन गया? COS। क्यों आपको जस्ट ओपनिंग और क्लोजिंग आएगा क्या COS का? बताओ COS का ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि COS को स्टॉक अकाउंट थोड़ी है, फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट है, WIP स्टॉक अकाउंट है, रॉ मटेरियल टेंजिबल स्टॉक अकाउंट है, क्या COS को स्टॉक ही क्या? तीन ही तरह के स्टॉक होते हैं, तीनों आ गए, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। तो ऑफकोर्स यहाँ पे कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इन दोनों को जोड़ा जाएगा और इन दोनों को जोड़ने के बाद आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। बताओ ये कहा, यहाँ सेल्स लिख दू? ठीक है, P&L अकाउंट है कि सेल्स लिख दू? अगर मैं यहाँ सेल लिख दूंगा तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट। तो क्या कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट क्या प्रॉफिट अकाउंट बताया क्या? तो यहां से इसको कहां ले जाना पड़ेगा? सेल्स में कि P&L में? सेल्स में रहता ना, सेल्स में। सेल्स अकाउंट क्या P&L अकाउंट है क्या? एक्चुअली मैं आपको बता दू, यहां पे ये बनेगा एक छोटा सा, नाम सुनना, कॉस्टिंग P&L। क्या बनेगा? कॉस्टिंग P&L। और यहां से हम इसको बाहर करेंगे बाय कॉस्टिंग P&L में, तो यहां आ जाएगा टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। और यहां पे क्या आएगा बताओ? बाय सेल्स। तो बताओ यहां क्या निकल के आ जाएगा? आपका प्रॉफिट। आप इन पांच अकाउंट को देख के बताओ कि पूरा का पूरा कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है पूरा एग्जैक्ट कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहा है। एक चीज ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ सेल और सेल दोनों कुरुक्षेत्र में आके लड़ेंगे। बच्चे बताए क्या गलती करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेल में डाल देते हैं। पांडवों और कौरवों ने अपने अपने राज्य में लड़ाई नहीं करी थी, दोनों ने बाहर जाके लड़ाई करी थी। और बताओ कहां लड़ाई करी थी? कुरुक्षेत्र में। तो एक कौरव है और एक, दोनों लड़ेंगे लेकिन दोनों अपने अपने अकाउंट में जाके नहीं लड़ेंगे, दोनों तीसरी जगह पे जाके लड़ेंगे। और तीसरी जगह क्या होगी? कॉस्टिंग P&L। और लड़ने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप दोनों को एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, कॉस्ट ऑफ सेल भी जाएगी P&L में और सेल्स भी उधर से आएगी P&L में, और दोनों का युद्ध कहां जाके होगा? कॉस्टिंग P&L के अंदर, और यहां से फिर प्रॉफिट निकल के आएगा। क्या बात आपको समझ में आ रही है? तो ये मैं आपको बता दूं, मेन पांच अकाउंट होते हैं कॉस्ट के अंदर। एडिशनल बनेंगे, पता है एडिशनल क्या बनेंगे? वेजेस अकाउंट बनेगा, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट बनेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट बनेगा। पर मेजर 1, 2, 3, 4 और 5, पांच मेजर अकाउंट है जो कि हमें सबसे पहले बनाने पड़ते हैं। आप इन पांचों को सबसे पहले बना लीजिए और इसका पूरा पूरा लिंकेज कॉस्ट शीट के साथ है। तो प्लीज इसके ऊपर सबसे पहले लिख लीजिएगा कि इसको पढ़ने से पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लिया जाए, फिर जाके ये पॉइंट आपको समझ में आने लग जाएंगे। इसको पढ़ने से पहले कॉस्ट शीट को पढ़ा जाए, फिर इसको पढ़ा जाए।
अरे हो गया नोट, जल्दी करिए फटाफट, क्या धीरे 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 नोट कर रही हो। अब मेरी बात सुनिए, इन सबके साथ अब एक बहुत ही जोरदार सी बात है जो मुझे आपको बतानी है। ये तो कितने अकाउंट हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ इसी के साथ सेकेंडरी अकाउंट ओपन होंगे, जैसे वेजेस होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होगा, सेल्स अकाउंट ओपन होगा। लेकिन अब इसमें ना एक बहुत शानदार बात है, अब वो सुनना क्या। अपन जैसे यहां पे एंट्री पास कर रहे हैं रॉ मटेरियल परचेजेस की, बताओ कौन से अकाउंट में डेबिट होगा रॉ मटेरियल परचेज, स्टोर लेजर या रॉ मटेरियल कंट्रोल। तो एंट्री क्या करोगे, रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये तो मैंने ब्रैकेट में लिखा परचेज, तो एक तरह से सिर्फ समझाने के लिए ये परचेज है। अब मेरा सवाल है कि रॉ मटेरियल परचेज इन कैश, रॉ मटेरियल परचेज इन कैश, व्हाट इज द एंट्री ऑफ रॉ मटेरियल स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू कैश। ओ एक मिनट, बीप बज गई, रेड लाइट रेड लाइट रेड लाइट, एरर एरर एरर, किस चीज के एरर, इंटीग्रेटेड नहीं है, कौन सा अकाउंट है, नॉन इंटीग्रेटेड, कॉस्ट अलग चल रहा है, फाइनेंशियल अलग चल रहा है, कॉस्ट की बुक्स में नॉमिनल के अलावा और कोई अकाउंट, तो भैया कैश अकाउंट को कैसे ओपन कर लोगे, परचेज, चलो परचेज बना दो, तो परचेज का क्या होगा फिर बताओ, परचेज का क्या होगा बताओ ना, परचेज ये बोलो सर परचेज से लाएंगे यहां पे, तो परचेज कहां आएगा, परचेज तो खोलना पड़ेगा, तो वो तो परचेज अकाउंट ही तो है एक तरह का, ये खुद ही अपने आप में परचेज अकाउंट है, यही तो परचेज आ रही है। तो एंट्री तो सही होगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू टू कैश, नहीं कर सकते, चलो ठीक है एक मिनट, वेजेस पे करी कैश में लेबर को 10,000 रुपए, क्या एंट्री पास करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो चलो सेल्स की एंट्री क्या करोगे, सेल्स इन कैश, क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एरर 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 एरर। लोचा ये है, लोचा ये है कि आप यहां पे डुअल एंट्री कैसे पास करोगे, क्योंकि सारे नॉमिनल अकाउंट तो इफेक्ट होंगे नहीं ना, जब एक तरफ खर्चा होगा तो दूसरी तरफ तो कोई पर्सनल या कोई रियल अकाउंट इफेक्ट होगा ना, तो क्या करें, मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे, सुनना, यहां पे इन दोनों अकाउंट को जो हम नहीं खोल पा रहे हैं रियल और पर्सनल अकाउंट, उनको रिप्लेस करेगा एक
जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जहां पे डबल एंट्री पास करने के लिए खाता खोला जाएगा, जो रियल और पर्सनल अकाउंट की जगह हर जगह आ जाएगा, जहां जहां कैश डेटर्स असेट क्रेडिटर्स इन सबको नहीं डालेंगे, इनकी जगह अपन बोलेंगे परचेस किया ना, स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू GLA, GLA मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सिर्फ डबल एंट्री पास करने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट की तरह हमको एक एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें सेकेंड एंट्री रियल और पर्सनल अकाउंट में नहीं देनी, तो हम उस रियल और पर्सनल अकाउंट का रिप्लेसमेंट लेके आ गए, और उस रिप्लेसमेंट का नाम क्या है, GLA, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अब जहां जहां आपको लग रहा है कि कैश बैंक डेटर क्रेडिटर असेट्स आने वाली है, उन सबकी जगह आप कौन सा अकाउंट ओपन कर लोगे, GLA। तो हम बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज किया था एंट्री होगी स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू GLA, वेजेस पे करी एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू GLA, सेल्स करी एंट्री होगी GLA अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो जहां जहां कैश बैंक डेटर क्रिएटर आ रहे थे, वो सब खाते ना खोल के उसकी जगह एक खाता खोल दिया जाएगा, उस खाते का नाम क्या रहेगा, GLA, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बताओ क्या है, समझ में आ रहा है? तो आप पांच अकाउंट के बारे में लिख चुके हो, लिखो पहले सिक्स अकाउंट के बारे में। सिक्स अकाउंट का नाम है GLA, लिखो, मैं लिखवाता हूं, लिखिए। छठे नंबर के अकाउंट में लिखिए, छठे नंबर के अकाउंट में लिखिए, आप अकाउंट का नाम है GLA, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, पर इसके और नाम भी लिख लीजिए, इसको और किस किस नाम से जानते हैं। GLA का एक और नाम है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और इसका एक और नाम है नॉमिनल लेजर अकाउंट, इसका एक नाम और है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल लेजर अकाउंट। तो तीन अकाउंट है, GLA, CLC और नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट, GLA, CLC और नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट, तीन अकाउंट के नाम है, ठीक है, GLA, CLC और नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अब इन तीनों अकाउंट के अंदर आपको लिखना ही है कि रियल और पर्सनल अकाउंट्स की जगह हम GLA अकाउंट से एंट्री पास करेंगे, तो जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट है उनकी सबकी जगह अपन किससे अकाउंटिंग से एंट्री पास करेंगे, GLA से एंट्री पास करेंगे। तो जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उनकी जगह हम GLA से सारी एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, सिंपल है, जो जो चीजें कैश में जाने वाली थी वो सब चीजें GLA में आ जाएगी, जो चीजें डेटर और क्रेडिटर में जाने वाली थी वो सारी चीजें GLA में आ जाएगी, जो चीजें आपके असेट अकाउंट में जाने वाली थी वो सब GLA में आ जाएगी, ठीक है। मतलब ट्रांजेक्शन को बुक्स में लाने का और बाहर करने का तरीका है GLA, कैश को परमिट नहीं करेंगे हम आने को, हम बोलेंगे तू सारा पैसा किसके थ्रू ले जा, GLA, हम तो GLA से बात करेंगे, हम कैश को आने नहीं देंगे घर के अंदर, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा और क्या क्या नाम है अकाउंट्स के, वो भी आपको एक बार लिखवा देता हूं, कितने अकाउंट हो गए अभी तक हमारे, छह। सातवां अकाउंट लिख लीजिए, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, सातवां अकाउंट का जो नाम है वो है वेजेस कंट्रोल अकाउंट, और मैं आपको बता देता हूं इस अकाउंट के अंदर किस तरह का फॉर्मेट होता है। हमारे छह अकाउंट की बात तो मैं कर चुका हूं, छह अकाउंट के अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी बात भी मैं कर चुका हूं, तो मैं आपको लेके चलता हूं सेवेंथ नंबर के अकाउंट पे, सातवें अकाउंट पे, और सातवां अकाउंट है वेजेस कंट्रोल अकाउंट। इसके अंदर क्या आता है मैं आपको बताता हूं, जितनी भी वेजेस मैंने पे करी है ना, जैसे मान लो मैंने वेजेस पे करी टोटल 5 लाख की, इसमें से डायरेक्ट है 3 लाख, फैक्ट्री की इनडायरेक्ट है 1 लाख,
एडमिनिस्ट्रेटिव की इनडायरेक्ट है 50,000 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की है 30,000 और एबनॉर्मल है 20,000। मतलब 5 लाख की वेजेस में से 3 लाख तो टाइम कॉस्ट में जाएगी, 1 लाख रुपए फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगी, 50,000 रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में जाएगी, 30,000 रुपए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगी और 20,000 रुपए कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगी। अब नॉर्मल वेजेस कहां डालते हैं? कॉस्टिंग पीएनएल में। एक चीज समझ जाना, सिर्फ एबनॉर्मल के लिए आप एक चीज ध्यान रखना, ये कॉस्ट पगला गई है। क्या हो गई है? पगला गई है। एबनॉर्मल मतलब पगला गई है और हमारा पागल खाना है कॉस्टिंग पेंडल। तो जैसे लगे कोई कॉस्ट पगलाना चालू है, बंद कर दो। कहां बंद कर दो? कॉस्टिंग पेंडल। देख रखना ही नहीं उसको घर में, उसको रखना ही नहीं है घर में, उसको रखना ही नहीं है अकाउंट में, सीधे बाहर कर देंगे। कहां भेज देंगे? कॉस्टिंग पेंडल में। ठीक है, तो अब समझना है यहां पे कि हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन दे दिया जाएगी 5 लाख की वेजेस पे की, उसमें इतनी डायरेक्ट है, इतनी फैक्ट्री है, इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव है, कैसे अकाउंटिंग होगी? बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं 5 लाख रुपए लाऊंगा। बताओ कहां से लाऊंगा? कहां से लाऊंगा? जीएलए से। पे किया होगा ना, तो एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग, तो वो एंट्री कहां से होगी? जीएलए से। तो मैं जीएलए से कितने अमाउंट ले आऊंगा? 5 लाख। अब मैं इसको अपने अपने अकाउंट में भेजना चालू करूंगा, क्योंकि मुझे उन 5 अकाउंट में भेजना है ना। अब ये बने जो 5 अकाउंट बनाए थे वही तो मेन अकाउंट है, वहां भेजना है ना। तो आप मुझे बताओ ये डायरेक्ट कौन से अकाउंट में जाएगी? रॉ मटेरियल में ना। देखो एक बार, देखो एक बार फॉर्मेट, अपने रॉ मटेरियल अकाउंट में भेजा था क्या वेजेस को? रॉ मटेरियल में प्रोडक्शन हो रहा है कि WIP में हो रहा है? तो जो डायरेक्ट वाला पार्ट है वो कहां चला जाएगा? WIP में। कितना? 3 लाख। फैक्ट्री की नेट वेजेस कौन सा अकाउंट में जाएगी? WIP में। देखिए WIP में सीधे नहीं जाएगी, पहले वो जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में, क्योंकि हम सारे ओवरहेड को पहले कौन से अकाउंट में इकट्ठा करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड में, और उसको एक साथ फिर किस पे भेजेंगे? WIP में। तो रूटिंग करेंगे अपन, रूटिंग। पहले इसको कहां भेजेंगे? इसको यहां पहले लाए जीएलए से। कहां? वेजेस में। वेजेस से कहां भेज देंगे? इनडायरेक्ट वाले को, फैक्ट्री ओवरहेड में। फैक्ट्री ओवरहेड से वो वापस कहां पहुंच जाएगी? WIP में। डायरेक्ट WIP में डायरेक्ट वेजेस को डेबिट कर सकते हो, इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्टली डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा एक हेड है फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमें पहले सारे फैक्ट्री ओवरहेड को एक रेस्पेक्टिव अकाउंट में लाके इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद उसे एक साथ WIP में चार्ज करेंगे। तो इस को हम कहां भेज देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट के अंदर। कितना? 1 लाख। बताओ ये कहां जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर कितना? 50,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में 30,000। और बताओ बचा हुआ कहां चला जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल में। कितना? 20,000। और ये हमारा वेजेस अकाउंट टैली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब ये अकाउंट सिर्फ रूटिंग करने के लिए खोला गया था। ये वेजेस अकाउंट वेजेस को ला रहा है और अलग 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 खातों में वापस भेज रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली कॉस्ट है ना, तो ये अपने पास कॉस्ट को रख के कस्टमर से चार्ज नहीं कर पाएगा, इसको भेजना पड़ेगा। अगर इसने कॉस्ट यहीं छोड़ दी तो ये वेजेस फिर कस्टमर से चार्ज होना रह जाएगी। तो मुझे उन 5 अकाउंट में कहीं ना कहीं तो भेजनी पड़ेगी ना, और उसको चार्ज नहीं करना है, उसको पीएनएल में भेजना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे इन सारी वेजेस को यहां लाके यहां से अलग अलग रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर रूट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे एक खाता खोलना पड़ता है, उस खाते का नाम क्या है? वेजेस कंट्रोल अकाउंट। पहले बताओ क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई है? कोई आपत्ति यहां तक है? ठीक है, अब अपन अगला अकाउंट की बात करते हैं। और नेक्स्ट अकाउंट और जोरदार है और शानदार है। इस अकाउंट का नाम है, कितने हो गए अकाउंट हमारे? 7। अगला अकाउंट बहुत जोरदार है, प्लीज सुनना। अगले अकाउंट का नाम है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। पर इस अकाउंट में एक बहुत ही शानदार पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा, प्लीज सुनिए। सर यहां पे क्या आएगा? सर यहां पे एक तो जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल लगा होगा वो आएगा स्टोर लेजर से,
स्टोर लेजर इधर भेजेगा ना, कौन सा वाला मटेरियल? इनडायरेक्ट वाला। डायरेक्ट वाला तो स्टोर लेजर सीधे इशू करके कहां भेज रहा था? डब्ल्यूआईपी में। लेकिन जो रॉ मटेरियल इनडायरेक्ट वाला होगा वो डायरेक्ट डब्ल्यूआईपी में जाएगा या पहले फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा? मैंने आपको क्या बोला, सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को पहले हम इकट्ठा करेंगे। कहां इकट्ठा करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड में। तो एक तो स्टोर से इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा, फिर वेजेस से इनडायरेक्ट वेजेस आएगी, और कुछ लगे होंगे खर्चे तो वो जीएलए से आ जाएंगे। अरे मान लो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लगे, इनडायरेक्ट रेंट लगा, डेप्रिसिएशन लगा, ये सब कहां से निकल के आएगा? जीएलए से। अरे आप मुझे बताओ डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट तो ओपन हो नहीं सकता, तो यहां पे क्या ओपन हो जाएगा? जीएलए। तो हम ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलए कर देंगे। रेंट कैश में पे हुआ तो क्या रेंट ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे क्या? ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलए। तो जो मटेरियल और वेजेस से आ रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सारे खर्चे कहां से आ जाएंगे? जीएलए से। ये सारी हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ गई। इस साइड हमारी क्या आ जाएगी? सारी एक्चुअल कॉस्ट। ये एक्चुअल कॉस्ट आ गई। अब सुनना ध्यान से प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओवरहेड्स के साथ एक बहुत बड़ा इश्यू है, और पता है वो क्या है? हम एक्चुअल खर्चा प्रोडक्ट की प्राइस में जोड़ ही नहीं सकते ओवरहेड का। क्यों? मैं उसका लॉजिक बताता हूं, प्लीज सुनना। आज मान लो मैं एक शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, एक तारीख हुई है आज, फॉर एग्जाम्पल मान लो आज फर्स्ट मंथ ऑफ द मतलब मंथ का फर्स्ट डे है, और मेरे पास एक ऑर्डर आया कि मुझे 10,000 शर्ट बना के देने। मैंने 10,000 शर्ट में लगने वाला कपड़े की कॉस्ट निकाल ली, 10,000 शर्ट को लगने वाले वेजेस की कॉस्ट निकाल ली, क्योंकि वो तो डायरेक्ट है। पर अब मुझे सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट ही चार्ज करनी है, इनडायरेक्ट भी चार्ज करनी है? इनडायरेक्ट। अब मुझे फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल, लाइटिंग, ये सारा खर्चा भी लेना है। लेकिन ये मुझे आज पता ही नहीं पड़ पाएगा। ये मुझे पता है कब पता पड़ेगा? मंथ के एंड पे। बिजली का बिल आ जाएगा या मंथ के एंड पे आएगा? मंथ के एंड पे। किराया आज देना है या मंथ एंड पे देना है? मंथ एंड पे देना है। जो इनडायरेक्ट वर्कर है वो सैलरी आज मांगेंगे कि मंथ एंड मांगेंगे? मंथ एंड पे। जबकि चार्ज मेरे को आज से करनी है, कि कस्टमर तो आज कीमत मांग रहा है ना। कस्टमर एक तारीख को खड़ा है और बोल रहा है कीमत बताओ, और खर्चे 30 तारीख तक होंगे, और पता कब पड़ेंगे? 30 को। और मैं एक तारीख को बोल रहा हूं कीमत बतानी है। तो या तो मैं सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट लेके छोड़ दूं, अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट लेके और प्राइम कॉस्ट पे ही प्राइस निकाल दूंगा, तो फिर मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन भरेगा? मैं अपनी जेब से तो भरूंगा नहीं ना। मुझे अल्टीमेटली इनडायरेक्ट कॉस्ट कस्टमर से लेनी है, नहीं लेनी है? लेनी है। तो बताओ मैं कैसे लूं? मुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्चुअल कॉस्ट आज पता कर नहीं सकता। मुझे एक्चुअल कॉस्ट कब पता पड़ेगी? मंथ के एंड में। जैसे कल हमने याद करो आईटी सॉफ्टवेयर वाला क्वेश्चन किया था, तो रिपेयर मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड उस प्रोजेक्ट में कितने लगे वो हम एग्जैक्ट पता कर पाए कि हमको एक एस्टिमेट करना पड़ा? वो एस्टिमेट किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा? सैलरी बेसिस पे। वैसे ही यहां पे भी जो एक्चुअल खर्चा पता पड़ा है ना, ये पता पड़ेगा मंथ के एंड में, जबकि प्रोडक्शन होता जाएगा। प्रोडक्शन पहली तारीख से चालू है, तो मुझे कुछ ना कुछ ओवरहेड पहली तारीख से डब्ल्यूआईपी में भेजने पड़ेंगे। पर वो मैं एक्चुअल वाले भेजूंगा या एस्टिमेट वाले भेजूंगा? एक इंपॉर्टेंट बात आप लिखो, मैं आपको सबसे पहले चाहता हूं इस पॉइंट को आप लिखो, क्योंकि वो पॉइंट बिना लिखे आपको याद ही नहीं रहेगा। तो इस अकाउंट को बनाने से पहले मैं जो पॉइंट आपको बोलना चाह रहा हूं वो पॉइंट आप लिखो। वेजेस वाली बात तो अपन खत्म कर चुके, वेजेस का अकाउंट बना लिया है क्या? जल्दी पहले इसको खत्म करो, क्योंकि ओवरहेड वाला पॉइंट बहुत क्रूशियल है। ये बात समझ में आ गई तो समझ जाना इंटीग्रेट नॉन इंटीग्रेट में कहीं दिक्कत नहीं आनी है, और ये चीज ओवरहेड चैप्टर में भी काम आने वाली है, कॉस्ट शीट में भी काम आने वाली है। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ जाना जो मैं बताना चाह रहा हूं। पर पहले वेजेस वाला पूरा बात एक बार लिख लीजिए। वेजेस में एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं बेच सकते, क्योंकि देखो हम ओवरहेड्स को एस्टिमेटेड बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं और ये एक्चुअल है, तो ये डायरेक्ट कैसे बेच देंगे? ये कब पता पड़ रहे हैं? मंथ के एंड में, और वो अपने को भेजने पड़ रहे हैं रोज जैसे जैसे बनते जा रहे हैं। कैसे भेजेंगे वे डायरेक्ट? जी स्टोर लेजर फैक्ट्री ओवरहेड आया इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए। रॉ मटेरियल स्टोर ने दोनों तरह का मटेरियल रखा हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो भी इश्यू हो रहा है वो तो सीधे डब्ल्यूआईपी में जा रहा है,
लेकिन मान लो रिपेयरिंग के लिए रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है स्टोन ने, तो रिपेयरिंग का रॉ मटेरियल डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, तो वो कहाँ भेजेगा? वो सीधे WIP में नहीं भेजेगा, वो पहले कहाँ लेके आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, और यहाँ से एक साथ ओवरहेड WIP के अंदर जाएंगे, आएगा अभी पूरा समझ में आ जाएगा, वो एकदम से डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे बात समझ में आएगी पूरी। फैक्ट्री ओवरहेड में डेबिट किया स्टोर लेजर जो इनडायरेक्ट मटेरियल था, इनडायरेक्ट वेजेस, जीएलए अदर एक्सपेंसेस, ओवरहेड, तीन खर्चे तीन तरह के होते हैं, मटेरियल लेबर और एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? सीधे कैश वहां से आएंगे, जीएलए से। रेंट पे किया जीएलए से ले आओगे, डेप्रिसिएशन जीएलए से ले आओगे, पावर का खर्चा जीएलए से ले आओगे। ओके, नोट कर लिया? अब सुनिए प्लीज, प्लीज सुनिए। पहले पहले इस चीज के लिए आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखो, बहुत काम की बात है, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिखो। सबसे पहले लिखिए ओवरहेड्स नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट है, ओवरहेड्स नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट है, ओवरहेड्स नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट है, और इसलिए यह कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाते समय पता नहीं लग पाती। ओवरहेड्स नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट है, ओवरहेड्स नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट है, इसलिए यह कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाते समय पता नहीं लग पाती। फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा, पूर्ण विराम लगा के लिखिएगा, ठीक है? पूर्ण विराम मतलब ऐसी डंडी खींचते हैं, ऐसी डंडी को पूर्ण विराम बोलते हैं ना, ठीक है? याद है आपको? नहीं, अंग्रेज हो ना आप लोग, ठीक है? इसलिए चले, तो इसके आगे लिखिएगा, इसलिए ओवरहेड्स को, इसलिए ओवरहेड्स को हम प्रोडक्ट से, इसलिए ओवरहेड्स को हम प्रोडक्ट से एस्टिमेटेड बेसिस पे ही चार्ज कर सकते हैं, इसलिए हम ओवरहेड्स को प्रोडक्ट से एस्टिमेटेड बेसिस से ही चार्ज कर सकते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट से ओवरहेड चार्ज होंगे वो एक्चुअल नहीं हो सकते, क्योंकि बनाते समय वो कॉस्ट हमें पता पड़ेगी नहीं। वो कॉस्ट कब पता पड़ेगी? बाद में, जब तक ग्राहक सामान लेके जा चुका होगा। तो हम ओवरहेड चार्ज तो करेंगे कस्टमर से, लेकिन एक्चुअल वाले करेंगे, एस्टिमेशन वाले करेंगे, एस्टिमेशन वाले करेंगे। फुल स्टॉप लगा के लिखिए, फागिन पूर्ण विराम लगा के लिखिएगा, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए हमें ओवरहेड को चार्ज करने की, इसके लिए हमें ओवरहेड को चार्ज करने की एक एस्टिमेटेड रेट कैलकुलेट करनी पड़ती है, इसके लिए हमें ओवरहेड्स को चार्ज करने की एक एस्टिमेटेड रेट कैलकुलेट करनी पड़ती है, जिसे हम ओवरहेड रेट बोलते हैं, जिसे हम ओवरहेड रेट बोलते हैं। आप लोगों ने पता है ये चीज पहले दिन से देखी है, पर आप लोगों ने कभी सोचा नहीं इस बारे में। हमने कॉस्ट शीट पढ़ना चालू किया था, कुछ याद है आपको? कॉस्ट शीट में हमने जब सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाई थी तो फैक्ट्री ओवरहेड सीधे नहीं लिखे थे, फैक्ट्री ओवरहेड लिखा था 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 60% ऑफ वेजेस, 20% ऑफ लेबर,
क्यों था? क्योंकि एक्चुअली हम एस्टिमेट बेसिस पर रेट कैलकुलेट करके ओवरहेड चार्ज कर रहे थे, एक्चुअल खर्चा कभी नहीं दिया रहता था ओवरहेड का, हमेशा बोलते थे ओवरहेड चार्ज करना है फैक्ट्री के 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो ये 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट क्या है? ओवरहेड को चार्ज करने की एक रेट है जो कि हमने एक एस्टिमेशन करके निकाली है। जैसे कल आईटी, चलो तो हम बात करते हैं कि ओवरहेड्स जो है, इसीलिए हम लोगों ने हर जगह ओवरहेड्स के रेट को एस्टिमेट बेसिस पे कैलकुलेट करके कॉस्ट शीट में ओवरहेड जोड़े थे। तो जो ओवरहेड कॉस्ट में जुड़ते हैं ना, वो कभी एक्चुअल नहीं हो सकते, क्योंकि कॉस्ट निकालनी है बनाते समय, कॉस्ट निकालनी है प्रोडक्शन करते समय, पर इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन करते समय कभी ट्रेस हो ही नहीं सकती। तो इस कॉस्ट को हम हमेशा एक एस्टिमेटेड बेसिस पे ही चार्ज करते हैं, और इसीलिए ये जो खर्चे हैं, ये अकाउंट्स बनाते समय हमें पता तो पड़ रहे हैं, पर जो ओवरहेड हमने प्रोडक्शन से चार्ज किए होंगे वो ये नहीं होंगे। हमने जो ओवरहेड प्रोडक्शन से चार्ज किए होंगे वो एक एस्टिमेटेड बेसिस पे ही होंगे। तो उसके लिए हम यहां से चार्ज करेंगे बाय WIP, और ये एस्टिमेटेड वाले ओवरहेड्स होंगे। इधर लगे एक्चुअल, ये पता पड़े मंथ के एंड में, उधर अपन बनते बनते लेते जा रहे हैं कि अच्छा 10 रुपए के ओवरहेड एक से दूसरे से 10 के और लिए, तीसरे के 10 के और लिए। अभी हमको नहीं पता एक्चुअल कितने लगेंगे, वो बाद में पता पड़े। पहले हमने क्या किए, सारे प्रोडक्शन से एक एस्टिमेट बेसिस पे ओवरहेड ले लिए कि तू बन रहा है ना, तू इतना पैसा ओवरहेड के नाम पे पहले ही रिजर्व कर दे कि हर यूनिट पे 10 रुपए तुझे देने हैं। अब 11 लगे 12 लगे वो बात की बात है, अभी हम कितने वसूल पाएंगे 10, क्योंकि हमने एस्टिमेशन कितने का रख रखा है 10 का। तो जो ओवरहेड हम एक्चुअल लगाए जा रहे हैं वो हम इस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, जो ओवरहेड हमने WIP से वसूले हैं बनते 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 वो हमने यहां पे क्या कर लिए, क्रेडिट। अब एक मजेदार बात है, हमेशा अकाउंट टैली नहीं होगा, बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर जब आप एक्चुअल निकालोगे और जो एस्टिमेट होंगे वो एग्जैक्ट सेम होंगे, इसमें वेरिएशन होगा? अरे अगर एग्जैक्ट सेम होती तो फिर तो एक्चुअल एस्टिमेशन सब एक ही बात हो जाती ना। पर सर जो हम सोचते हैं वो हमेशा होता नहीं है सर, कभी थोड़ा ऊपर होता है तो कभी थोड़ा नीचे होता है। तो मुद्दा ये है कि जो खर्चा हम सोच के बैठे थे कि इतना होगा, वो ज्यादा भी हो सकता है और वो थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इस अकाउंट में हमेशा एक डिफरेंस आएगा, इस अकाउंट में हमेशा एक डिफरेंस आएगा, और उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, प्लीज सुनना। अगर वो डिफरेंस इधर आ रहा है, वो डिफरेंस इधर आ रहा है, मतलब वसूल ज्यादा लिए जबकि लगे कम, तभी इधर आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, वसूल ज्यादा लिए और लगे कम, हम इसको बोलते हैं ओवर रिकवरी। क्या वर्ड यूज करते हैं? ओवर रिकवरी, मतलब कस्टमर से रिकवर जितने होने थे उससे ज्यादा हो गए। अरे मेरी बात सुनो, अपन पार्टी प्लान करते हैं, कोई आदमी एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, पार्टी दे नहीं रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है मतलब कॉन्टी करके पार्टी होगी, लेकिन एक आदमी हैंडल कर रहा है पूरी पार्टी को। आप मुझे बताओ वहां पर भी तो एस्टिमेट बेसिस पे कॉन्टी ली जाती है। पहले दिन पूछते ना कि यार खर्चा कितना होगा, कितना होगा यार, एक एक आदमी का 1000-1000 होगा, हो सकता है खर्चा एक्चुअल में कम हो और हो सकता है खर्चा एक्चुअल में ज्यादा भी हो जाए। अगर मान लो मैंने ले 1000 लिए लेकिन पर पर्सन खर्चा 900 हुआ, तो बोलूंगा ना ज्यादा नहीं लिए मैंने, तो ओवर वसूल लिए, उसको हम क्या नाम देंगे, ओवर रिकवरी। और अगर हो सकता है कि 1000 की क्वांटिटी लिए और वहां कितने लग जाए 1100, तो बताओ आप क्या नाम दोगे? ऑफ कोर्स क्या दाम दोगे, अंडर रिकवरी। तो अगर बैलेंस इस साइड आता है तो क्या हो जाएगा, अंडर रिकवरी, और बैलेंस अगर उस साइड आता है तो क्या हो जाएगा, ओवर रिकवरी। बताओ ये अकाउंट आपको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत काम का अकाउंट है, इसीलिए मैं WIP अकाउंट में सीधे इनडायरेक्ट खर्चों को नहीं ले गया, क्योंकि जो खर्चे में सीधे ले जाना चाह रहा था वो एक्चुअल थे। WIP बोलता है मैंने ऑलरेडी एस्टिमेट दे दिए, मैं एक्चुअल वाले नहीं दूंगा, मैं कौन से वाले दूंगा, एस्टिमेट वाले। WIP में एक्चुअल वाले जाएंगे ही नहीं, WIP में कौन से वाले जाएंगे, एस्टिमेट। इसलिए जितने भी एक्चुअल लगे हैं उसको अपन WIP में ना ले जाके कहां कौन से अकाउंट में लेके आ रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में लेके आ रहे हैं। तो ये सारे खर्चे एक्चुअल वाले फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट में आ रहे हैं, और यहां से वो एस्टिमेट वाले जा रहे हैं।
जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस यहीं रुक जाएगा, उसका नाम होगा अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं है? आगे जैसा फैक्ट्री वाले अकाउंट बनाए एग्जैक्ट सेम क्या हो गया? आज 12:45 तक क्लास है मेरी, आपने नोटिस नहीं किया, और अभी 12:30 हुए हैं, आपने नोटिस नहीं किया। आज का शेड्यूल देखना, आज क्लास 12:45 तक है, ठीक है? ओके, हमारी जो गरबे वाली दीदी है ना उनको ही बोल देना आज क्लास 12:45 तक है, ठीक है? देखिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पे आते हैं हम, और प्लीज सुनना, इधर देखिए, गरबे खेल लिए कि नहीं खेल लिए आपने? खेल लिए? नहीं इधर, हाँ नहीं खेले? अरे यार सीजन निकले, खेलना उधर, उस दिन गरबे लेके तो गए थे, बहुत बढ़िया। चले देखिए, ओके सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, क्या हो गया तुमको भी खेलने थे घर में क्या? अच्छा पॉइंट पूछो जी, बोले क्या? स्टोर लेजर से क्यों आया बेटा? मटेरियल खरीदता कौन है? स्टोर लेजर। मटेरियल दो तरह के खरीदता होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों खरीदता होगा। परचेज दोनों तरह के मटेरियल की होती होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उधर स्टोर लेजर में दोनों तरह का सामान रखा हुआ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल मांगा तो डब्ल्यूआईपी को भेज दिया, इनडायरेक्ट मटेरियल डब्ल्यूआईपी को भेजेंगे कि ओवरहेड में लाते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किसका पार्ट बनती है, प्राइम कॉस्ट का या ओवरहेड का? ओवरहेड का। तो अपन इस अकाउंट में क्या कर रहे हैं, सारे ओवरहेड तो इकट्ठे कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स कहां पे वो? अरे मेरी बात सुनो, उस अकाउंट के अंदर मैंने सारे ट्रांजेक्शन नहीं बताए, बेसिक बताया था। ऑफकोर्स स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट से क्रेडिट भी होगा, अभी मैंने क्या बोला सिर्फ बेसिक समझो। जर्नल एंट्रीज मेरी अभी करवानी बाकी है, जब मैं जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा तब एक एक ट्रांजेक्शन अकाउंट का बता दूंगा। पहले भी उन्होंने बोला था सर और क्या आएगा, तो मैंने बोला था रुक जाओ, अभी सिर्फ स्पेशल ट्रांजेक्शन की बात ही नहीं कर रहे, अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, बेसिक की। तो मैंने उसमें सारे ट्रांजेक्शन नहीं बताए, पर ऑफकोर्स स्टोर लेजर से क्रेडिट होके फैक्ट्री वाले अकाउंट में डेबिट होगा इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है? अभी मेरे को बताओ इस अकाउंट में अब कोई आपत्ति है क्या? समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट में क्या क्या रहेगा? सेम, वैसे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव में इनडायरेक्ट मटेरियल तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ वेजेस हो सकती है। कहां से लाए थे? लाए थे इधर से, ये वाली एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट यहां से क्रिएट किया था, और यहां पर जाके क्या कर देंगे? डेबिट। दूसरा यहां पर क्या आ जाएगा? जीएलए। पर मुझे बताओ ये वाला साइड कौन सा था, एस्टिमेट वाला है एक्चुअल वाला? ये वाला साइड कौन सा था, एस्टिमेट वाला है एक्चुअल वाला? ये वाला साइड एक्चुअल वाला था। बताओ एस्टिमेटेड वाले ओवरहेड जो हमें कॉस्ट में चार्ज करने हैं वो कौन से अकाउंट में जाते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव वाले। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कौन से अकाउंट में जाते हैं? डब्ल्यूआईपी में। देखो 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 फॉर्मेट में देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट को कौन से अकाउंट में ले गया था? डब्ल्यूआईपी में, फिनिश गुड्स में। तो यहां से मैं ले जाऊंगा बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, और हेलो यहां पे भी तो आ सकती है अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी। इधर आएगी तो ओवर, और इधर आएगी तो अंडर। ये बन गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट भी। कितने अकाउंट हो गए? 9। किसका? रिपेयर का मटेरियल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, मशीन में लगने वाला ऑयल, मशीन में लगने वाले पार्ट्स, इनडायरेक्ट मटेरियल। ये पॉइंट आता है सर, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी मैं आपको जर्नल एंट्रीज के साथ बता दूंगा कि इसका क्या होगा। ऑफ कोर्स वो बात आएगी, लेकिन पहले आप जितना जितना पढ़ते जा रहे हैं उतना उतना समझते जाओ। अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का क्या होगा? ऑफ कोर्स मैं बता दूंगा जी। जीएलए से वेजेस में गया था,
वेजेस से उठा के अपन ने एडमिनिस्ट्रेटिव में डाला, तो रूट वो क्या रहा है ना, जीएलए से वेजेस में, वेजेस से एडमिनिस्ट्रेटिव से, और एडमिनिस्ट्रेटिव से वापस जा रहा है वो फिनिश गुड्स में, इतने अकाउंट से रूट होकर ट्रांजेक्शन जा रहा है क्या? मजा आएगा अभी तो, बहुत मजा आएगा। नहीं वो फ्लो समझ में आ जाए ना आपको, सब समझ में आ जाएगा। तो फ्लो मैंने क्या बोला था, इसमें फ्लो इंपॉर्टेंट है, कौन सा अकाउंट कहां से कहां जाता है, वो फ्लो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको सारे फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन समझ में आने लग जाएंगे। यहां तक ठीक है, आ गया समझ में? ओके ग्रेट। अब मेरी बात सुनिए, जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव वाले अकाउंट बना है, एक अकाउंट और बनेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे भी वही वेजेस, जीएलए, एक मिनट, ये कौन सा वाला, ये वाला साइड कौन सा होता है, ये वाला साइड कौन सा होता है जो जीएलए से आता है ना, वो साइड कौन सा होता है एक्चुअल? तो आप मुझे बताओ, इधर जो एस्टिमेट वाला अमाउंट होगा वो कौन से अकाउंट में जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन से अकाउंट में जाता है? देखो अकाउंट्स के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन से अकाउंट में ले गया था, तो बाय सी ओ एस। अगेन यहां पे भी क्या आ जाएगी, इधर की साइड ओवर रिकवरी और इस साइड आ जाएगा अंडर रिकवरी। ये हो गया हमारा एक और अकाउंट कंप्लीट। बस एक आखिरी अकाउंट है। अच्छा हाँ, आखिरी अकाउंट है ही नहीं, जीएलए बता दिया ना और पीएनएल भी बता दिया, तो बस 10 ही अकाउंट है, 10 के 11 हो गए, गिनो। कौन सा मिस कर रहा हूं मैं, 11 अकाउंट होते ना, अच्छा 80 होते हैं, बस ये बराबर है। लिखो 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 लिखो, देखते हैं अभी अपन, लिखो सर इसको। जी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में कोई जीएलए, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट, मैनेजर की सैलरी, सब इसका एग्जांपल, ऑफिस के खर्चे सारे, ऑफिस रेंट, मैनेजर की सैलरी, वो सब इधर चला जाएगा। बोलो साहब, किसी को आपत्ति है? देखो आज का आपका टास्क यही है कि आपको जितना मैंने एक बार ये पढ़ाया ना घर पे, क्योंकि कल तभी सारी आगे की बातें समझ में आएगी जब जितना मैंने पढ़ाया है वो सब आपको एक बार घर पे पढ़ के आना पड़ेगा। और प्लीज एक बार आप कॉस्ट शीट भी पढ़ के आइएगा, वो जो बेसिक बता रहे ना, एकदम बेसिक में ओवरहेड्स कितने तरह के होते हैं, ओवरहेड्स कौन कौन से नेचर के होते हैं, प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है, ओवरहेड में क्या क्या आते हैं, कौन से कहां जाते हैं, वो एक बार आप प्लीज बेसिक पढ़ के आना। थोड़ा सा कॉस्टिंग का बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपको इस चैप्टर में कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो ये डिस्कशन आज हम खत्म कर रहे हैं। आज आपके पास होमवर्क में कुछ भी नया टास्क नहीं है, आपको बस जो आज पढ़ाया है उसको एक बार करके कॉस्ट शीट को थोड़ा सा बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाकी डिस्कशन कल करेंगे। एंजॉय, गुड डे, बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए, कैसा है आज का दिन? बहुत शानदार। गंदा किस चीज का, दिन कौन सा है मतलब, हाँ क्या हो गया नाटा सर, गुस्सा हो गया आज? किस चीज के लिए गुस्सा हो गया नाटा सर आपसे? हाँ पंखा बंद करवाना था, पंखे के कारण झगड़ा कर रहे थे जब सर पढ़ा रहे थे, तो नाटा सर हो गए आपसे नाराज। किन लोगों से नाराज हो गए? एक दिन अच्छा बिना बोले पढ़ाया, ठीक है ठीक है, मेरे को मालूम है, बिल्कुल चुपचाप है ना, ऐसे ही ना, ठीक है। हाँ हर बैच में एक आध बार ऐसा होता है, तो हमारे टाइम से चला आ रहा है ये, ठीक है।
आपकी वजह में दूसरी तीसरी बार है ना, चलेगा चलेगा सर, रुक जाते हैं पर मान भी जल्दी जाते हैं, मान भी बहुत जल्दी जाते हैं, रुकने के बाद सर मान भी जल्दी जाते हैं, है ना, सही बात है। अरे खोल दो मेरे भाई, खोल दो, ऐसा क्यों कर रहे हो बाबू, इतना आया हुआ तीन फ्लोर उतर के वापस नीचे जाएगा, ठीक है, अटका दो उसको, लॉक मत करो, अटका दो बस, ठीक है, अटका दो। चलिए तो आई थिंक डिस्कशन चालू किया जाए आज का, और कल जो मैंने टॉपिक चालू किया था बड़ा आसान सा टॉपिक है, मजा आएगा और इजी टॉपिक है। आपको पहले दिन लग रहा होगा कि सर ने क्या खतरनाक बातें बता दी, पर मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पहले दिन बता दिया वो एक्चुअली इस चैप्टर का बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ बता दिया, मतलब इसके बाद आपको एक बार फ्लो समझ में आ गया ना, तो फ्लो समझने के बाद आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको कल होमवर्क नहीं दिया था ये बोल के कि कम से कम जितना मैंने आज पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना, तो पहले बताओ क्या हुआ, आपने एक बार रिवाइज कर लिया क्या? देखो मैं जबरदस्ती आपको बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं करना चाहता कि आपको मैं जबरदस्ती पेनिट्रेट कर करके आपको बोलूं कि नहीं होमवर्क करो, चेकिंग करेंगे, पेनल्टी लगेगी। देखो अब इस एज में आके खुद से होना चाहिए, और इस एज में जाके पता उल्टा है, जो चीज ना करने का बोलो वो पहले करने का मन होता है, और जो चीज करने में फोर्स नहीं करो वो चीज आप दिल से करके आते हो, तो एक्चुअली आपके दिल से चीज होगी ना तभी मजा आएगा, फोर्स करके चीज करोगे तो कहीं से कहीं तक मजा आने वाला नहीं है। तो ट्राई करो कि उसको दिल से करके आओ, थोड़ा सा मन लगा के इसको करके आओ, क्योंकि कॉस्ट में अगर इंटरेस्ट बन गया ना, इंटरेस्ट बन गया ना, तो आपको अपने आप करने की बहुत ज्यादा इच्छा होगी, बाय डिफॉल्ट आप अपने आप करके आओगे। जैसे पीछे एक हमारी स्टूडेंट है स्तुति, वो सारे क्वेश्चंस पहले ही करके ले आती है, क्यों? क्योंकि उसको एक इंटरेस्ट बन गया है, वो मैं करवाता हूं उसके एक दिन पहले सारे क्वेश्चंस कर लेती है, एंड जस्ट टैली करवा लेती है कि सर जो आंसर्स आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। तो ऐसे सबको करना चाहिए, स्तुति इज करेक्ट नाम है ना, स्तुति, हाँ, तो अब आपको भी ये सब करना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा ना तो आप लोग अपने आप एक दिन पहले ही चीजें करके लेके आ जाओगे, खुद से पढ़ के आओगे, खुद से करके आओगे, तो और अच्छा मजा आएगा करने में, बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग, जी होमवर्क तो मिलता है, लेकिन देखो क्या होता है, ये सब एक्सक्यूजेज है, ये सब एक्सक्यूजेज है, समय अपने आप चीजों के लिए निकल जाता है। आप कई सारी चीजें ऐसी करते हो जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन उसका भी समय निकलता है ना, तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट आएगा ना बाय डिफॉल्ट अपने आप समय निकलेगा, जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा ना कितना भी कर लो उसमें कभी आप टाइम निकाल ही नहीं पाओगे। सो अपने आप इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करो तो टाइम अपने आप निकलेगा। यार लोग इतने ज्यादा बिजी होते हुए भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, डांस क्लासेस करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्यों करते हैं? इतना बिजी होने के बाद कैसे करते हैं? इंटरेस्ट है ना, जब इंटरेस्ट है तो चीजें अपने आप निकल के आती है, तो आपको बस इंटरेस्ट क्रिएट करना है, उसके बाद टाइम अपने आप आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन, आप हो गया टाइम पास, आई वॉज वेटिंग कि सब आ जाए एक बार, तो अपन आज का डिस्कशन चालू करें। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग चालू करते हैं, और एक बार कल जो पढ़ाया था उसको रिवाइज करवा देता हूं मैं। मैंने कल आपको कुल मिला के 10 या 11 अलग अलग लेजर्स के बारे में बताया, 10 डिफरेंट अकाउंट्स दैट वी हैव डिस्कस, और मैं बता दूं कौन कौन से लेजर के बारे में हमने बात की। एक था स्टोर लेजर, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कंट्रोल, वहां पे रॉ मटेरियल आता है और यहां से रॉ मटेरियल इश्यू होके आगे जाता है। दूसरा, इधर दैट्स प्लीज, मुझे बताओ सेकंड अकाउंट का नाम क्या था? WIP, एंड WIP इज बेसिकली प्रोडक्शन अकाउंट। जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी हम प्रोड्यूस करते हैं, वो सारा कौन से अकाउंट में ले जाते हैं? WIP अकाउंट के अंदर। और याद कीजिए WIP अकाउंट जो है उसमें मटेरियल आएगा जो स्टोर से आएगा, वेजेस आएंगी, ओवरहेड्स आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, सारी प्राइम कॉस्ट आएगी, फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, और WIP एडजस्ट होकर यहां से नेट फैक्ट्री कॉस्ट आगे जाएगी। बताओ कहां जाएगी? फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स में भी ओपनिंग क्लोजिंग होगा, लेकिन उसमें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे आएंगे, और ये आगे जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, वहां पे सेलिंग जुड़ेगा, और कॉस्ट ऑफ सेल फाइनली रणभूमि में जाएगा। रणभूमि कौन सी? हमारी कॉस्टिंग के लिए। इसके यहां पे युद्ध किसके साथ होगा?
सेल्स के साथ, और जब सेल्स के साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स का युद्ध होगा तो कुछ निकल के आएगा, वो क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। तो कॉस्टिंग पीरियड से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने एक वेजेस अकाउंट की बात करी थी, जहां हमने बात करी कि अगर वेजेस आएगी तो पहले हम ग्रॉस वेजेस वेजेस अकाउंट में लाएंगे और यहां से सारी वेजेस को अलग अलग रेस्पेक्टिव अकाउंट में भेजेंगे। अगर डायरेक्ट होगी तो सीधे डब्ल्यूएपी में जाएगी, अगर इनडायरेक्ट होगी तो रेस्पेक्टिव ओवरहेड अकाउंट में जाएगी, और एबनॉर्मल होगी तो पीएनएल में जाएगी। फिर हमने ओवरहेड अकाउंट की बात करी, सबसे ज्यादा झोल यहां से चालू हुआ। इसके पहले तक सब अच्छा लग रहा था सर, ओवरहेड आने के बाद बहुत तकलीफ आना चालू हो गई कि ये क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक पार्टी प्लान हो रही है और पार्टी प्लान करके आप कंट्री कर रहे हो, तो एक तरफ से तो आपके खर्चे होते जा रहे हैं, एक तरफ से आपको कंट्री मिलते जा रही है। दोनों अलग अलग चीज है, क्योंकि जितना खर्चा हो रहा है एग्जैक्टली उतनी कंट्री नहीं मिल रही होगी, क्योंकि कंट्री तो आपने पहले ही करवा ली है या पहले दिन से डिसाइड कर लिया है कि आपको कितना पैसा एक आदमी से लेना है, क्योंकि खर्चे धीरे 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 एट द एंड ऑफ द मंथ तक पता पड़ेंगे। तो एक तरफ हम जितने खर्चे करते जाते हैं वो ले आते हैं, एक तरफ जितना लोगों से मिलता जाता है, जितना प्रोडक्शन से मिलता जाता है वो ले आते हैं। इसको बोलते हैं ओवरहेड जो एक्चुअल लगा, और ये है वो ओवरहेड जो हमने एस्टिमेटेड बेसिस पे प्रोडक्शन से लिया। पता है दो साइड था आपको, इमेजिन हो रहा है दो साइड, इधर की साइड क्या आ रहा था एक्चुअल और इधर की साइड क्या आ रहा था एस्टिमेटेड। एक्चुअली इसको बोलते हैं एक्चुअल ओवरहेड, इसको बोलते हैं ओवरहेड रिकवर्ड। क्या बोलते हैं? ओवरहेड रिकवर्ड। रिकवर्ड मतलब कितने ओवरहेड मैंने डब्ल्यूआईपी से रिकवर किए, क्योंकि हम खर्चे जीएलए से लेके आते हैं, लेकिन रिकवरी कहां से करते हैं ओवरहेड्स की? अगर फैक्ट्री ओवरहेड है तो कहां से रिकवर करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड कहां से रिकवर होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड कहां से चार्ज करते हो? डब्ल्यूओटी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिनिश गुड्स, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल्स से। तो ये वहां से रिकवर हो रहे हैं और इधर हम जीएलए से खर्चा करते जा रहे हैं। अगर इसमें इधर की साइड डिफरेंस आया तो ओवर रिकवरी, और इधर की साइड डिफरेंस आया तो अंडर रिकवरी। तो जीएलए से आएगा, डब्ल्यूआईपी से आएगा, दोनों का नेट करके अगर इधर डिफरेंस है तो ओवर, और इधर डिफरेंस है तो अंडर रिकवरी आ जाएगी। अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का क्या करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन पहले बताओ जितना अभी तक हमने डिस्कस किया सब कुछ समझ में आ गया है? वेरी नाइस। तो अब अपने को क्या करना है, इन सब ट्रांजैक्शंस की एक बार जर्नल एंट्रीज लिखनी है। हमने लेजर्स तो बना लिए, लेकिन एक एक तरीका और है इसको समझने का। लेजर से समझ में आ गया होगा, लेकिन जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस हैं वो हमने लेजर में अभी कवर नहीं किए, तो हमको उसके लिए क्या करना चाहिए, जर्नल एंट्रीज एक बार लिख लेनी चाहिए। और जर्नल एंट्रीज जो है वो हम लोग अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसको हम चालू करते हैं। और जर्नल एंट्रीज जो है वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। चलो चालू हो जाओ, मैं आपको डिक्टेट करते जाता हूं एक एक ट्रांजैक्शन, और हम उस एक एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री लिखना चालू कर देते हैं। हो जाइए, चलो स्टार्ट फर्स्ट से करते हैं। हो जाइए चलो, तो हेडिंग डाल लीजिए जर्नल एंट्री, और हम लोग पहले ट्रांजैक्शन से चालू करते हैं। ये जर्नल एंट्रीज नॉन इंटीग्रेटेड की है, ध्यान रखना। फर्स्ट हमने क्या चालू किया है? नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड में ये जीएलए अकाउंट आ रहा है, क्योंकि यहां पे फाइनेंशियल बुक्स अलग है और कॉस्ट बुक्स अलग है। तो अब हम चालू करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज से। लिखिए पहला ट्रांजैक्शन, रॉ मटेरियल परचेजेस। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज रॉ मटेरियल परचेजेस, एंड यू टेल मी व्हाट इज द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर रॉ मटेरियल परचेजेस। स्टोर लेजर या रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। लिखिए पहला ट्रांजैक्शन ये है, रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। रॉ मटेरियल कंट्रोल और स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। ओके ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन, रॉ मटेरियल इश्यूड फॉर प्रोडक्शन। Raw material issued for production. Tell me. What is raw material issued for production? Production के लिए हम raw material को कहां भेजते हैं? WIP में। तो एंट्री क्या होगी? WIP control account debit to store ledger. लिख लीजिए एंट्री, WIP control account debit to store ledger. WIP control account debit to store ledger control accounts. तीसरा ट्रांजैक्शन आप लिखिए, रॉ मटेरियल इश्यूड फॉर रिपेयरिंग। रॉ मटेरियल इश्यूड फॉर रिपेयर्स, और ब्रैकेट में लिख देना ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। रिपेयरिंग का रॉ मटेरियल है तो इट्स एन इनडायरेक्ट मटेरियल।
ये वो मशीन में लगने वाला ऑयल, कंज्यूमेबल्स, टूल्स, पार्ट्स है। आप मुझे बताओ, अपन इनडायरेक्ट मटेरियल को डब्ल्यूआईपी में ले जाएंगे क्या? मैंने बोला था सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे कहां जाएंगे? ओवरहेड्स। लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। चौथा ट्रांजैक्शन लिखिए, रॉ मटेरियल परचेज्ड रिटर्न टू सप्लायर, रॉ मटेरियल परचेज्ड रिटर्न टू सप्लायर, क्या एंट्री होगी? उल्टी एंट्री परचेज की, स्टोर लेजर टू जीएलए की जगह क्या एंट्री हो जाएगी? जीएलए टू स्टोर लेजर। तो लिखिए एंट्री है जीएलए अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, जीएलए अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। रिटर्न की एंट्री जस्ट उल्टी हो जाएगी, जीएलए अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। पांचवा आप लिखिए, रॉ मटेरियल इश्यूड रिटर्न टू स्टोर्स, रॉ मटेरियल इश्यूड रिटर्न टू स्टोर्स, तो रॉ मटेरियल जो इश्यू किया था वो स्टोर में वापस आ गया, तो क्या एंट्री होगी? इश्यू की डब्ल्यूटी, इश्यू में क्या एंट्री करी थी? इश्यू में डब्ल्यूआईपी टू स्टोर, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर सिक्स, स्टोर्स इशूड डायरेक्टली रिटर्न टू सप्लायर, स्टोर इशूड डायरेक्टली रिटर्न टू सप्लायर, जो स्टोर इशू किया था किसको इशू किया था? स्टोर यार डब्ल्यूआईपी को, वहीं से डायरेक्टली सप्लायर को भेज दिया गया, क्या एंट्री होगी? जीएलए टू डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी से स्टोर में क्यों लाएंगे? तो डायरेक्टली रिटर्न कर दिया तो क्या एंट्री करेंगे? जीएलए अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट। जीएलए, मेरी बात सुनो, क्या हम सप्लायर का खाता खोल सकते हैं क्या? सप्लायर नॉमिनल है या पर्सनल है? पर्सनल है, यहां पे पर्सनल खाता खुल सकता है क्या? तो इसकी जगह हम कौन सा अकाउंट इफेक्ट करेंगे? जीएलए, तो जीएलए अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट। अगला ट्रांजेक्शन बड़ा शानदार है, लिखिए पॉइंट नंबर सेवन, पॉइंट है रॉ मटेरियल परचेज फॉर, रॉ मटेरियल परचेज फॉर स्पेशल जॉब, ट्रांजैक्शन है रॉ मटेरियल परचेज फॉर स्पेशल जॉब। आप मुझे बताओ, स्पेशल जॉब के लिए कोई रॉ मटेरियल खरीदा गया, सिंपल रॉ मटेरियल परचेज तो किया है, तो एंट्री क्या होगी? सो टू जीएलए? नहीं, अब मैं बताता हूं क्यों। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, वी कैन टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, प्लीज सुना ध्यान से। मान लीजिए आपके घर में नॉर्मली ग्रोसरी शॉपिंग पापा करते हैं, तो पापा इज जस्ट इन स्टोर अकाउंट एंड मम्मी इज डब्ल्यूआईपी अकाउंट, क्योंकि पापा खरीद के सामान किसको लाके देते हैं? मम्मी को। प्रोडक्शन कौन करता है? मम्मी। खाना कौन बनाता है? मम्मी। ग्रोसरी कौन यूज करता है? मम्मी। परचेजिंग कौन करते हैं? पापा। ठीक है, अब नॉर्मली जो ग्रोसरी सामान आता है, शक्कर, तेल, घी, खाने पीने की चीजें, ये सब पापा शॉप करके लेके आते हैं और मम्मी को लाके दे देते हैं। एक बार मम्मी ने पापा को फोन किया और बोला कि मुझे सुनते हो? तो बोले क्या हुआ, बोलो। तो मम्मी ने बोला कि बच्चे कुछ मेयोनीज सॉस का बोल रहे हैं सैंडविच खाने, उनको मेयो सॉस वाले, वो बच्चे आए हुए हैं, उन्होंने बोला है कि मेयो सॉस वाले सैंडविच खाने, मेयोनीज सॉस वाले सैंडविच खाने। पापा ने बोला कि ये क्या होता है, मेयोनीज क्या होता है? सॉस सॉस होता है लाल टमाटर वाला। बोले नहीं, एक मेयो सॉस होता है व्हाइट कलर का। पापा दुकान वाले के पास गए और पापा ने सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए, और वो रेड कलर का केचप लेके आ गए,
हॉट एंड स्वीट वाला मैगी का केचप लेके आ गए, बोले यही बढ़िया वाला साइड ले जाओ, सॉस यही होगा। ठीक है, मम्मी ने दो चार बातें अलग सुना दी कि तुमको पता नहीं मेयो क्या होता है। पापा ने इतनी सी लाइन बोली कि ऐसी चीजें तुम खुद ले आया करो, मेरे को मत बोला करो। अब समझो इसको, यहां अप्लाई करो कि अगर प्रोडक्शन को कुछ स्पेशल तरह के रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो वो चीज मम्मी पापा से मंगाएगी या खुद जाके लेके आएगी? खुद जाके लेके आएगी। मतलब ये परचेजेस स्टोर करेगा या सीधे WIP करेगा? जिस प्रोडक्शन के जिस डिपार्टमेंट को जिस आदमी को इसकी जरूरत है वो सीधे इसकी परचेजिंग करके लेके आएगा। तो एंट्री बताओ क्या होगी? WIP अकाउंट डेबिट टू JLA है, लिखो एंट्री है स्पेशल परचेज किए गए रॉ मटेरियल की एंट्री होगी WIP अकाउंट डेबिट टू JLA। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू JLA। ओके नेक्स्ट, और क्या ट्रांजेक्शन मटेरियल के अंदर आ सकता है? यस, अगला लिखिए आप कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब जो रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन पे किया, कैरेज इनवर्ड। पर मैं आपको बता दूं कैरेज इनवर्ड के दो ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो हम लोगों ने जो कॉस्ट शीट में पढ़ा वो ये था कि हम कैरेज इनवर्ड को रॉ मटेरियल कॉस्ट का पार्टी मान लेते हैं, तो ऑफकोर्स वो भी स्टोर लेजर में डेबिट हो जाना चाहिए। तो पहली एंट्री तो आप यही करो, फर्स्ट ऑप्शन, दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन आप डालो, ऑप्शन ऑल्टरनेटिव टू है तो ऑल्टरनेटिव वन होगा स्टोर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू JLA। स्टोर में डेबिट कर देंगे वो अपने आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, परचेज कॉस्ट में जुड़ जाएगा। एंट्री होगी स्टोर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू JLA। पर देर इज वन मोर ऑल्टरनेटिव, एक और ऑल्टरनेटिव है, और मेरी बात सुनो। वो कब होता है? जब कंपनी अपनी खुद की ओन्ड फ्लीट मेंटेन करती है, मतलब कंपनी का खुद का अपना ट्रक है, तो अब वो एक एक रॉ मटेरियल से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल नहीं पाएगी। क्योंकि अगर मतलब अब ऑपरेटिंग, देखो आप कंपनी का खुद का ट्रक है तो कंपनी अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएगी, और ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएगी तो वो तो पूरे महीने भर की बनेगी, तो उस महीने भर में एक तरह का रॉ मटेरियल थोड़ी आया होगा, उसी ट्रक में 10 अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल आए होंगे गए होंगे, तो स्पेसिफिक किसी एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट में कैसे ऐड करोगे? तो जब कंपनी अपनी खुद की फ्लीट मेंटेन करती है और जब किसी एक रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन अलग के कॉमन लगता है तो फिर कंपनी इसको ओवरहेड्स का पार्ट मान लेती है, इनडायरेक्ट मान लेती है, क्योंकि अब वो ट्रेसेबल कॉस्ट नहीं है। तो सेकेंड ऑल्टरनेटिव एक और हो सकता है, वो भी आप लिख लीजिए, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू JLA। आप इसको ओवरहेड का पार्ट भी मान सकते हो अगर ये इनडायरेक्ट है, तो अगर ये ट्रेसेबल है तो हम इसको डायरेक्ट कॉस्ट मान के रॉ मटेरियल में ऐड कर देंगे, लेकिन अगर वो किसी एक रॉ मटेरियल का स्पेसिफिक ट्रेसेबल नहीं है तो फिर हम इसको किसका पार्ट मान लेते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स का, और इसको फिर फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू JLA कर लेंगे। तो देयर आर टू ऑप्शंस। अब सर कौन सा एग्जाम में लगाना है? फर्स्ट वाला ऑप्शन मुझे ज्यादा बेनिफिशियल भी लगता है और सही लगता है कि अगर रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है तो किसमें लगना चाहिए? रॉ मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए। पर हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे दिया जाए कि इट शुड बी पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, तो फिर आपको उसको ओवरहेड में ही जोड़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आएगा जहां पे हम अपने आप क्वेश्चन को देख के जज कर लेंगे कि उन्होंने इसको कहां जोड़ा होगा, वो पता चल जाएगा आपको। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कब किसको फॉलो करने का है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई? आगे लिखिए, कितनी एंट्रीज हो गई हमारी? 8। लिखिए 9th नंबर की एंट्री, एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल का एबनॉर्मल लॉस हो जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? बताइए, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल मतलब कॉस्ट का क्या हो गया है? कॉस्ट पगला गई, और जैसी कॉस्ट पगला गई तो क्या कर देंगे? कॉस्टिंग पेंडल। तो एंट्री क्या होगी? कॉस्टिंग पेंडल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री होगी कॉस्टिंग पेंडल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर। ठीक है, 10th नंबर की जनरल एंट्री लिखी है, 10th, एंड इट इज नॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल या नॉर्मल शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। नॉर्मल लॉस और नॉर्मल शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल का नॉर्मल लॉस है या रॉ मटेरियल में नॉर्मल शॉर्टेज है तो जनरल एंट्री क्या पास होगी? नॉर्मल शॉर्टेज और नॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल की एंट्री क्या होगी? एक मिनट, इसका एक तरीका तो ये होता है कि हम लोग है ना नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री पास नहीं करें, सिर्फ स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दें,
ये हम करते हैं, हमने इवन कॉस्ट शीट में भी यही किया कि नॉर्मल लॉस की स्क्रैप को सिर्फ हमने रॉ मटेरियल कॉस्ट से माइनस कर दिया, अदरवाइज और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया। पर प्रॉब्लम इंटीग्रेटेड में ये है, नॉन इंटीग्रेटेड में ये है कि आप अगर जनरल एंट्री पास नहीं करोगे तो मटेरियल की सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही बढ़ जाएगा, बाकी सब वोका हुई रह जाएगा। समझो मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि 1,00,000 रुपए का रॉ मटेरियल आया और आपने 90,000 का रॉ मटेरियल इशू कर दिया, कितने का क्लोजिंग बचना चाहिए? पर 5,000 का नॉर्मल लॉस हो गया तो कितने का बचेगा? 5,000 का बचेगा। पर आप बोलोगे नहीं, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक 5 के लिए कितने का हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। तो जो 5,000 का नॉर्मल लॉस था उसका सीधे इफेक्ट बाकी सब पे ना जाके सिर्फ किस पे चला जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक पे। हम क्या बोलते हैं, सब पे बराबर बच जाना चाहिए, जबकि 90,000 की चीज तो 90,000 की रह गई और बैलेंसिंग फिगर के चक्कर में 5,000 का स्टॉक कितने का चला जाएगा? 10,000 का, क्योंकि आपने कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करी। तो ये गलत हो जाएगा। तो हम जब अकाउंट तैयार करते हैं तो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए तो हम रामबाण फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन जब अपने को अकाउंट तैयार करने तो अपन क्लोजिंग स्टॉक की, सॉरी नॉर्मल लॉस की एंट्री पास के बिना नहीं जा सकते, अदरवाइज सारा इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक पे चला जाएगा। जबकि नॉर्मल लॉस तो सब में से हुआ ना, तो उस पर भी तो इफेक्ट जाना चाहिए, पर ये तो हम ऑलरेडी इशू कर चुके तो उस पर तो हम इफेक्ट डाल ही नहीं सकते, तो सारा इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक पे चला जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डबल हो जाएगी सीधे। That is wrong. और इसीलिए हम लोग इसको बाय फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से ओवरहेड अकाउंट में ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें नॉर्मल लॉस को कॉस्ट का पार्ट तो बनाना है, पर हम उसको यहां नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने यहां छोड़ दिया तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। तो इसे कॉस्ट बनाने के लिए कौन से अकाउंट में ले जाते हैं? ओवरहेड, क्योंकि अल्टीमेटली ओवरहेड भी कॉस्ट का पार्ट बनता है कि नहीं बनता है? बनता है, और ओवरहेड सब में बढ़ता है, और हम चाहते भी कि नॉर्मल लॉस सब में बराबर बटे, और वो तभी हो पाएगा जब आप इसको कहां ले जा पाओगे? ओवरहेड्स के अंदर। तो इसीलिए इसकी जो जनरल एंट्री हम अकाउंट्स बनाते समय पास करेंगे, देखो प्रोसेस में हमने नॉर्मल लॉस का लॉस को कंसीडर न करके सिर्फ स्क्रैप वैल्यू माइनस किया था, क्योंकि वहां हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे पर यूनिट, पर यहां हम लेजर्स तैयार कर रहे हैं। तो लेजर्स तैयार करने में हमको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें नॉर्मल लॉस की जनरल एंट्री पास तो करनी पड़ेगी, और वो फिर कहां पास करेंगे सर? फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट के अंदर। तो लिख लीजिए, नॉर्मल लॉस की एंट्री हम जो पास करेंगे वो होगी फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। डब्ल्यूआईपी में चार्ज करना भी गलत है, क्योंकि नॉर्मल लॉस को आप प्राइम कॉस्ट कैसे मान सकते हो? नॉर्मल लॉस को आप पूरा प्राइम कॉस्ट ही मान लोगे, अभी ट्रेसेबल थोड़ी है, एक यूनिट से ट्रेस थोड़ी कर सकते कितना नॉर्मल लॉस हुआ। डब्ल्यूआईपी में तो हम प्राइम कॉस्ट, और एक और चीज, हेलो फैक्ट्री ओवरहेड भी कहा जाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी कहा जाते हैं, तो बस फैक्ट्री ओवरहेड में जब आप डेबिट कर रहे हो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहां डेबिट होने वाला है? डब्ल्यूआईपी में जा ही रहे। आप फैक्ट्री ओवरहेड भी जब डेबिट करोगे तो वो चीज फाइनली कहां पहुंच रही है? डब्ल्यूआईपी के अंदर। तो डब्ल्यूआईपी में जा ही रहा है ना, पर वो डायरेक्टली नहीं जा सकता, वो इनडायरेक्टली जाएगा, क्योंकि इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। किसने बोला नॉर्मल लॉस एक्सपेंस नहीं है? नॉर्मल लॉस को अपन कॉस्ट मानते हैं और उसके कारण कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती है, पूरा का पूरा प्रोसेस का कॉन्सेप्ट इस पे चलता है, और आप बोल रहे हो नॉर्मल लॉस खर्चे ही नहीं है। नॉर्मल लॉस को कॉस्ट का पार्ट मानते ही नहीं मानते हैं, उसके कारण आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती ही नहीं बढ़ती है। किसको नहीं मानते कॉस्ट का पार्ट? पूरा प्रोसेस कॉस्टिंग कर लिया, निखिलेश्वर ऐसी बात कर रहे हो कि नॉर्मल लॉस एक्सपेंस ही नहीं है। बताओ नॉर्मल लॉस एक्सपेंस है कि नहीं है? है, तभी तो हमारे ऑरेंज की कॉस्ट 5 रुपए से बढ़ के 5.25 रुपए हो गई थी, क्योंकि हमारे यहां क्या हो गया था? नॉर्मल लॉस हो गया था कॉस्ट। तो एक सेकेंड, कॉस्ट बढ़ रही है मतलब खर्चा तो है ना। आज मुझे बताओ, मैं 100,000 चीज लाऊं और उसमें से नेट नेट 900 निकल के आएगी, तो जो 100 खराब हो गई वो खर्चा नहीं है? खर्चा नहीं है कि खर्चा है? अरे इनका एक्चुअली इनका बोलना है सर इमीडिएट कैश आउटफ्लो का हुआ, खरीदते समय तब हो गया ना, खरीद के लाए थे ना और निकला कम, तो खर्चा तो हो ही गया ना अल्टीमेटली। आप ये थोड़ी बोला 900 का ही खर्चा हुआ, खर्चा तो पूरा 1,000 का मानोगे ना, तो खर्चा तो है ही वो पूरा का पूरा, तभी तो कॉस्ट बढ़ रही है। अगर खर्चा नहीं होता तो हमारी कॉस्ट में इन्फ्लेशन कैसे आता? कॉस्ट बढ़ रही है मतलब वो खर्चा तो है। चले, तो नॉर्मल लॉस की एंट्री हम क्या पास करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। आ गई बात समझ में? कोई आपत्ति इसके अंदर नहीं? बहुत बढ़िया।
आई थिंक ये सारी रॉ मटेरियल की एंट्रीज हो गई है. अब आप देखोगे तो कंप्लीट रॉ मटेरियल का अकाउंट तैयार हो जाएगा. रॉ मटेरियल परचेजेस, रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, ओपनिंग इशू हुआ तो WIP में, रिपेयर में गया तो फैक्ट्री ओवरहेड में, एबनॉर्मल लॉस हुआ तो P&L के अंदर, नॉर्मल लॉस हुआ तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बच गया बैलेंस. स्पेशल रॉ मटेरियल आया तो WIP में चला जाएगा. तो ये सारी एंट्रीज क्लियर हो गई है. दैट इज रिगार्डिंग रॉ मटेरियल. कोई दिक्कत इसमें नहीं है. अब अपन चलते हैं सेकंड वैरायटी पे. एक हमने रॉ मटेरियल के सारे ट्रांजैक्शन कर लिए. अब अपन चलते हैं सेकंड वैरायटी पे, वेजेस में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं. अच्छी बात है, वेजेस का कल मैंने अकाउंट बना के सारे ट्रांजैक्शन बता ही दिए थे आपको. तो कल वो निकालो वेजेस वाला, उसकी जनरल एंट्री पास कर देते हैं. कल एक वेजेस अकाउंट बनवाया था ना, बताओ पहली एंट्री खर्चे की क्या होगी. खर्चा बुक करने की एंट्री, जो ग्रॉस अमाउंट बुक करेंगे वेजेस पे करने का. 5 लाख का अमाउंट था कल, 5 लाख के अमाउंट की एंट्री क्या मार्ज करोगे, वेजेस टू GL है. तो पहला अपन पेमेंट की एंट्री करेंगे, वो लिख लो. फर्स्ट एंट्री होगी वेजेस के अंदर पेमेंट करने की, वेजेस देने की, वेजेस का खर्चा करने की, और वो एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू GL. और ये ग्रॉस अमाउंट से होगी, ये पूरे पूरे अमाउंट से होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू GL. हाँ, ग्रॉस अमाउंट पे होगी ना, जो 5 लाख रुपीज का अमाउंट था ग्रॉस अमाउंट, उस पर हम एंट्री पास करेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू GL. अब अपन दूसरे काम, दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, बांटने की, एलोकेशन की, डिस्ट्रीब्यूशन की. 5 लाख की वेजेस को अलग अलग अकाउंट में ले जाने का है, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी. पहले पहले लिख लो डायरेक्ट वेजेस की एंट्री क्या पास होगी. हाँ लिखो, पहली एंट्री होगी इसके अंदर डायरेक्ट वेजेस की. डायरेक्ट वेजेस की एंट्री होगी WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस. तो ग्रॉस अमाउंट बांटने के बाद अपन अलग अलग एंट्रीज करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सबसे पहले जो डायरेक्ट वाली वेजेस होगी उसकी एंट्री हो जाएगी WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस. दूसरा, अगर क्वेश्चन में लिखा है इनडायरेक्ट वेजेस है, या एक और वर्ड लिख सकते हैं अनप्रोडक्टिव वेजेस. इनडायरेक्ट वेजेस ही बोल सकते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, अनप्रोडक्टिव वेजेस. अगर इनडायरेक्ट वेजेस या अनप्रोडक्टिव वेजेस वर्ड यूज हुआ है तो एंट्री चली जाएगी ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस. फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस. इनडायरेक्ट वेजेस लिखा हो या अनप्रोडक्टिव वेजेस लिखा हो तो मान के चलना कि इट्स फैक्ट्री ओवरहेड, तो एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेस. फिर इसके बाद अगर ऑफिस सैलरी लिखा हुआ है, ऑफिस सैलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, ऑफिस स्टाफ की सैलरी लिखी हुई है, तो बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस. अगर क्वेश्चन में ऑफिस स्टाफ की सैलरी लिखी हुई है, ऑफिस सैलरी या एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, तो एंट्री हो जाएगी ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस. ठीक. इसके बाद अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेलिंग स्टाफ की सैलरी है, सेलिंग स्टाफ की वेजेस है, इसी की एक और एंट्री होगी सेलिंग स्टाफ की वेजेस अगर हुई तो. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेलिंग स्टाफ की वेजेस है तो फिर इसकी एंट्री क्या होगी, सेलिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, सेलिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस, SND कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस. SND कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस. वन मोर, अगर क्वेश्चन में लिखा है एबनॉर्मल आइडल टाइम है, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल वर्कर को खाली बैठना पड़ा किसी एबनॉर्मल रीजन के कारण, तो एबनॉर्मल आइडल टाइम की एंट्री क्या होगी, कॉस्टिंग पेनल अकाउंट डेबिट टू वेजेस. अगर एबनॉर्मल आइडल टाइम वर्ड यूज हुआ है तो एंट्री होगी कॉस्टिंग पेनल अकाउंट डेबिट टू वेजेस. कॉस्टिंग पेनल अकाउंट डेबिट टू वेजेस, इट इज फॉर एबनॉर्मल आइडल टाइम. अगर एबनॉर्मल आइडल टाइम है तो इस तरह की जनरल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी. एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब लाइट चली गई और पावर कट हो गया और उस कारण वर्कर को खाली बैठना पड़ गया. अब इस दौरान वर्कर पैसा तो आपसे लेगा, लेकिन अब ये लॉस है आपके लिए क्योंकि आप काम तो कर नहीं पाओगे, वर्कर खाली बैठा रहेगा तो फिर वो पीएनएल में जाएगा, वो अपना लॉस है. आपको जनरेटर की व्यवस्था करके रखनी चाहिए थी. अब आपने पावर कट कर दिया तो इसका लॉस तो आप ही उठाओगे ना. ठीक है, मशीन ब्रेकडाउन, इस कारण वर्कर को खाली बैठना पड़ा, ये सब एबनॉर्मल कहलाते हैं. क्लियर?
यहाँ तक कि जर्नल एंट्रीज में किसी को आपत्ति है, ये वेजेस वाली कल पूरी कर चुके हैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी लिखवा दी, क्योंकि कल हमने अकाउंट बना के पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन समझ लिया था। अगली एंट्री एक और लिखो, ये वेजेस का हेड हो गया है ना, पहला हो गया था रॉ मटेरियल का हेड, उसके अंदर कुछ 10 एंट्रीज लिखवाई मैंने आपको, फिर वेजेस के अंदर मिला के मैंने आपको कुछ 6 या 7 एंट्रीज लिखवाई, 6 एंट्रीज लिखवाई। अगला लिखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी, लिखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस या रॉयल्टी भी लिखा जा सकता है, रॉयल्टी इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस या रॉयल्टी रॉयल्टी पेमेंट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या रॉयल्टी पेमेंट है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। पहले बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे कौन से अकाउंट में जाएगा, WIP, सीधे एंट्री पास कर दो WIP अकाउंट डेबिट टू GLA, डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की WIP अकाउंट डेबिट टू GLA। इसकी कोई रूटिंग करने की जरूरत भी नहीं है कि पहले वेजेस में ला रहे हैं फिर वेजेस से WIP में ले जा रहे हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी होगा अलग अलग अकाउंट में जाके, ये तो सीधे एक ही अकाउंट में डेबिट होगा, तो एंट्री हो जाएगी WIP अकाउंट डेबिट टू GLA। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आप लिखो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन जॉब्स, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन जॉब, अब जॉब मतलब काम, अलग अलग काम के बीच में माल ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या रहा है, एक काम हुआ सामान बच गया तो उसको दूसरे काम में यूज कर लिया, पता है इसकी जनरल एंट्री क्या होगी हमारे कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर, एक प्रोडक्शन का काम खत्म हुआ वहां मटेरियल बच गया था दूसरे प्रोडक्शन में यूज कर लिया, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, एक्चुअली इसकी कोई एंट्री पास होगी ही नहीं, इसकी प्राइमरी बुक्स में एंट्री पास हो जाएगी जॉब नंबर फलाना फलाना अकाउंट, तो जॉब नंबर फलाना फलाना दिस, पर जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो मेरी बात सुनो, जॉब अलग अलग होंगे लेकिन WIP अकाउंट पूरे महीने का पूरे साल का अलग अलग बन रहा है, एक बन रहा है सारे काम का, एक WIP अकाउंट बन रहा है, तो मुझे बताओ एक काम से दूसरे काम में सामान चला भी जाएगा तो है तो WIP के अंदर ही ना, क्या वो स्टोर को चला गया, क्या वो है कहां प्रोडक्शन में, बस एक से दूसरे में चला गया, तो इसकी अगर हम बात करें तो रजिस्टर के अंदर एंट्री हो जाएगी जॉब नंबर दिस से जॉब नंबर दिस में चला गया, पर इसकी जनरल एंट्री लेजर के अंदर कुछ भी पास नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों केस में डेबिट अकाउंट भी वही है और क्रेडिट अकाउंट भी वही है, अरे प्रोडक्शन से प्रोडक्शन नहीं जा रहा है तो एंट्री क्या होगी, WIP अकाउंट डेबिट टू, अरे जब एक ही अकाउंट बन रहा है WIP टू WIP क्यों करोगे, एक ही अकाउंट तो है, हम पूरे महीने का एक अकाउंट तैयार कर रहे हैं, तो सिर्फ जॉब के अंदर जैसे रेस्पेक्टिव जॉब की जो कॉस्ट शीट होगी उसमें इधर से कॉस्ट उठ के इधर पहुंच जाएगी, लेकिन WIP के अकाउंट तो एक ही बन रहा है ना पूरे महीने का, तो इस समरी अकाउंट के अंदर तो कोई एंट्री पास होगी नहीं, क्योंकि जॉब नंबर 1 भी यही है और जॉब नंबर 2 भी यही है, तो 1 से 2 में सामान जाता है तो WIP से WIP में ही है, तो इसकी कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, आप लिख लेना इसकी एंट्री होगी जॉब नंबर, मान लो ट्रांसफर हो रहा है जॉब नंबर 1 से 2 में, एग्जाम्पल लिख लीजिए ट्रांसफर हो रहा है रॉ मटेरियल जॉब नंबर 1 से 2 में, रॉ मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है जॉब नंबर 1 से जॉब नंबर 2 में, बताओ इसकी एंट्री अपन प्राइमरी बुक्स में रजिस्टर में क्या करेंगे, जॉब नंबर 2 टू जॉब नंबर 1, जॉब 2 में जा रहा है ना, तो एंट्री हो जाएगी जॉब नंबर 2 टू जॉब नंबर 1, पर फिर आप नीचे लिखिएगा नो एंट्री इन WIP कंट्रोल अकाउंट, इसकी कोई एंट्री WIP कंट्रोल अकाउंट में होगी नहीं, नो एंट्री इन WIP कंट्रोल अकाउंट, इसकी कोई एंट्री WIP कंट्रोल के अंदर नहीं होगी। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, वेरी गुड, अब अपन बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, आप बताना इसकी एंट्री फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, गुड्स बन गए, एक सेकेंड, गुड्स बनते हैं तो कहां से कहां जाते हैं, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल में, अच्छा जो गुड्स बन गए मतलब बनना और बिकना एक वर्ड होता है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल में कब जाता है, जब बिक जाता है, ये बिका कि बन गया, तो भैया ये तो प्रोडक्शन से निकल के गोडाउन में जाएगा ना, तो हमारा गोडाउन कौन सा अकाउंट है, फिनिश गुड्स अकाउंट, आप चाहो तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट के साथ लिख लो, ये गोडाउन अकाउंट है हमारा, हमारा सामान जब बनेगा तो कहां जाएगा, फिनिश गुड्स के अंदर,
तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट एक तरह से हमारा गोडाउन है। तो एंट्री पहले बता रहे बन कहां, कौन से अकाउंट में रहा था, WIP, और बन के सामान कहां जाएगा, फिनिश गुड्स में। एंट्री होगी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट। ये वो नेट फैक्ट्री कॉस्ट जो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करते हैं अपन, ये वो नेट फैक्ट्री कॉस्ट जो होती है ना फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने की, वो है जो हम WIP से क्रेडिट करके फिनिश गुड्स अकाउंट में डेबिट करते हैं, ये वो अमाउंट है जो बन जाता है वो WIP से फिनिश होके कहां पहुंच जाता है, फिनिश गुड्स के अंदर। अब आगे लिखो फिनिश गुड्स सोल्ड। अब बताओ जब सामान बिकेगा तो कहां से कहां जाएगा, पहले बताओ बना था तो WIP से फिनिश में आया, बिकेगा तो अब वो कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा। तो आप एंट्री लिखिए COS अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, COS अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ओके कॉस्टिंग ठीक है, वो तो जनरल एंट्री क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल को फिर हम जोड़ के कहां ले जाते हैं, कॉस्टिंग पिंगल के अंदर, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखिए, आप लिखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अपन ओवरहेड्स के ट्रांजेक्शन पे चल रहे हैं सारे, अब हम मेनली ओवरहेड्स की हेडिंग में आ गए और सारे ओवरहेड्स के ट्रांजेक्शन चलिए, तो अब हम ओवरहेड्स के ट्रांजेक्शन लिखना चालू करते हैं और लिखिए पहला ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन ओवरहेड्स का। सबसे पहले लिखिए आप प्रोडक्शन एक्सपेंसेस इनकर्ड। अगर मान लो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर हुई, रेंट लगा, पावर लगा, डिप्रिसिएशन लगा, आप मुझे बताओ इस सब की एंट्री कहां से कहां ले जाओगे, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू GL है, लिख लीजिए। ये वो खर्चा है जो अदर देन मटेरियल और लेबर का है, मटेरियल का तो रिपेयर के नाम से आ गया था, वेजेस वाला भी आ चुका था, इसके बाद जो और खर्चे हुए ओवरहेड्स के अंदर उसी को हम GL से लेके आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू GL है। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। और इस चार्ज वर्ड के और क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं वो भी मैं लिखवा देता हूं, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, ऑब्लिक लगा के लिख लेना, एब्जॉर्ब फ्रॉम प्रोडक्शन, एब्जॉर्ब मतलब वहां से वसूले, एब्जॉर्प्शन करना, रिकवर करना, तो फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, एब्जॉर्ब फ्रॉम प्रोडक्शन, ऑब्लिक आगे लिखिए अप्लाइड टू प्रोडक्शन, अप्लाइड टू प्रोडक्शन, ऑब्लिक आगे लिखिए रिकवर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन, कोई भी वर्ड आ सकता है लिखा हुआ, इन सबका मतलब है हमने प्रोडक्शन से ओवरहेड चार्ज किए। आप मुझे बताओ जो प्रोडक्शन से ओवरहेड चार्ज करते हैं वो एक्चुअल वाले होते हैं या एस्टिमेटेड वाले होते हैं, तो वो एंट्री कहां से जाती है, ओवरहेड अकाउंट में डेबिट होती है क्रेडिट, ओवरहेड से क्रेडिट होके कहां से लेते हैं, WIP से, एंट्री पास करेंगे WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये एक्चुअल नहीं है, ये एस्टिमेटेड वाली है, एक्चुअल वाली तो इनकर्ड साइड में आ जाएगी ना,
जीएलए से आ गई, मटेरियल से आ गई, लेबर से आ गई, ये है वो अमाउंट जो हमने ओवरहेड रेट निकाल के डब्ल्यूआईपी से लिया है। ये वो एक बजट वाला अमाउंट है जो हमने हर यूनिट से लेते गए होंगे। तो यूनिट बनती जा रही है, हमने एक बजट बना लिया कि हर यूनिट से मुझे ₹5 खर्चा लेना है। जैसे एक यूनिट बन के फिनिश गुड्स में गई होगी, बोला होगा ₹5 निकाल, फिर अगली यूनिट बनी होगी ₹5 और निकाल, फिर अगली बनी होगी ₹5 और निकाल। ऐसे हमने जो रिकवरी करते गए ये वो सारे क्रेडिट साइड में पड़े होंगे ओवरहेड्स। तो एक साइड में डेबिट पड़ा होगा जो खर्चा हुआ, एक साइड में क्रेडिट होगा जो रिकवर हुआ। अब अगला ट्रीटमेंट लिखो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का, तो हेडिंग डालो अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट क्या होगा लिखिए। अंडर रिकवरी को कहां भेजेंगे लिखिए, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अंडर रिकवरी को कहां भेज देते हैं, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अंडर रिकवरी कहां चली जाएगी, देखो अंडर रिकवरी कॉस्टिंग पीएनएल में क्यों जा रही है, क्योंकि देखो अभी ओनर का लॉस है, कस्टमर से तो हमको जो वसूल लेते वो हमने वसूल लिए, जितना खर्चा होना था वो हमारा हो गया। अगर जो भी कम ज्यादा होगा अभी नुकसान किसका है, ओनर का, और ओनर कहां बैठा हुआ है, कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर, वो अपने प्रॉफिट से भरेगा ना, तो ऑफकोर्स ये अमाउंट कहां जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल में। पर आप नीचे एक स्टार लगा के लिखेगा, स्टार लगा के लिखेगा, अगर क्वेश्चन में कॉस्टिंग पीएनएल नहीं बन रहा है, अगर क्वेश्चन में कॉस्टिंग पीएनएल नहीं बन रहा है, अगर क्वेश्चन में कॉस्टिंग पीएनएल नहीं बन रहा है, या ओवरहेड कंट्रोल के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, अगर क्वेश्चन में कॉस्टिंग पीएनएल नहीं बन रहा है या ओवरहेड कंट्रोल के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, या तो कॉस्टिंग में बन ही नहीं रहा है, या फिर ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के कौन से बैलेंसेस दिए हैं, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, तो फिर हम अंडर रिकवरी को ओवरहेड अकाउंट में ही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो हम अंडर रिकवरी का ओवरहेड अकाउंट में ही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हम अंडर रिकवरी का ओवरहेड अकाउंट में ही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अब ऐसा क्यों, देखो इसका लॉजिक समझना। अगर आप पीएनएल नहीं बना रहे हो तो आप अंडर रिकवरी को चार्ज ही नहीं कर सकते पीएनएल के अंदर, तो आपको इसी अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करके बाय बैलेंस कर देना है, अगले साल एडजस्ट हो जाएगी, ये रीजन हम मान सकते हैं। और ओपनिंग दिया है मतलब पिछले साल भी आपने अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को क्या किया होगा, कैरी फॉरवर्ड। ओके, तो फैक्ट्री ओवरहेड की इन एंट्रीज के बाद अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अकाउंट की एंट्री की बात करें, तो पहली एंट्री होगी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इनकर्ड, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इनकर्ड की एंट्री होगी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू जीएलए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू जीएलए, ये खर्चा इनकर करने की एंट्री हो गई। अगला आप लिखिए जी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों एक ही बात होती है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब सेम, ये प्रोडक्शन वालों की बात हो रही है। अब आप बोल रहे हो अच्छा जनरल वाले, वो जनरल वाले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट बन जाएंगे वहां पे, वो फिर उसके लिए अलग अकाउंट ओपन नहीं करते, वो फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही जुड़ते हैं ना। तो यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब हम प्रोडक्शन वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलए, ये हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इनकर्ड की एंट्री। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड एब्जॉर्ब्ड अप्लाइड, वही सारे नाम है, चार्ज टू प्रोडक्शन वही सारे नाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड अप्लाइड ऑब्लिक एब्जॉर्ब्ड ऑब्लिक चार्ज्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड अप्लाइड एब्जॉर्ब्ड चार्ज्ड, इसकी एंट्री क्या होगी, बड़ी सिंपल है। आप मुझे बताओ ये रिकवरी होती कहां से, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को हम कॉस्ट शीट में कहां बेचते हैं, फिनिश गुड्स
के वहां पे। और अगर अपन अकाउंट की बात करें तो कौन से अकाउंट में जाता है? फिनिश गुड्स अकाउंट के अंदर, क्योंकि नेट फैक्ट्री कॉस्ट आती है उसमें, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जुड़ते हैं। तो ऑफकोर्स ये कौन से अकाउंट में जाएगा? फिनिश गुड्स अकाउंट के अंदर। आप लिख लीजिए, इसकी एंट्री पास होगी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर जाते हैं। क्यों? इसके अंडर रिकवरी और रिकवरी भी तो है, सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा। अंडर रिकवरी होगी तो कॉस्टिंग पेनल डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और ओवर रिकवरी होगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डेबिट टू कॉस्टिंग पेनल। या कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगर, तो सेम एंट्री लिख लीजिए आप। अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का सेम ट्रीटमेंट है, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी सेम ट्रीटमेंट लिख लीजिए। सेम ट्रीटमेंट एज अबव, सेम ट्रीटमेंट एज अबव, ऐसा करके डाल लीजिए। सेम ट्रीटमेंट एज अबव, ऊपर वाले जैसा ट्रीटमेंट हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम। ठीक सर, अब आ जाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेम उसके लिए भी यही होगा, लिख लीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में एंट्री क्या होगी। नोट कीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की एंट्री, एंट्री होगी पहली एंट्री सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इनकर्ड, खर्चा हुआ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इनकर्ड की एंट्री क्या होगी? एंट्री बताओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू जीएलए। करो एंट्री, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। दूसरी एंट्री, सेकेंड एंट्री होगी अगेन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज्ड रिकवर्ड, उसकी एंट्री ले लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज्ड रिकवर्ड एब्जॉर्ब, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज्ड रिकवर्ड एब्जॉर्ब, इसकी एंट्री क्या होगी बताओ? कहां से चार्ज करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, COS से चार्ज होती है। तो एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की भी। अगली एंट्री लिख लीजिए सेल्स की एंट्री क्या होगी बताओ? सेल्स की एंट्री क्या होगी? सेल्स की दो एंट्री होगी, एक तो सेल्स अकाउंट में लाने की अपन एक एंट्री। नॉर्मली बताओ सेल्स की एंट्री क्या करते हो फाइनेंशियल में? अगर क्रेडिट सेल है तो क्रेडिट सेल है तो डेटर्स टू सेल, और कैश सेल है तो कैश और बैंक टू सेल्स। तो यहां पे उसकी जगह एंट्री क्या हो जाएगी? जीएलए टू सेल्स। देखो सेल्स की पहली एंट्री है जीएलए टू सेल्स, जीएलए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बस फिर अपन देखो सेल्स को फिर कहां लेके जाते हैं? COS में। गलती कर दी क्या? कौरव और पांडव एक दूसरे के घर में जाके लड़ेंगे? तो सेल्स को COS में लगाएंगे क्या? दोनों कहां जाएंगे? कॉस्टिंग पेनल में। COS भी कॉस्टिंग पेनल में और सेल्स भी कॉस्टिंग पेनल में, दोनों एक दूसरे के घर में नहीं घुसेंगे। आपको पता था सबसे शांत तरह का युद्ध लड़ा था महाभारत में? आपको उसकी स्टोरी मालूम है? शांत युद्ध ऐसा था कि जो लोग दिन में युद्ध लड़ते थे वही लोग साथ में शाम को बैठ के खाना खाते थे। नहीं पता आपको? उनका नियम था सूर्यास्त के बाद नहीं लड़ेंगे, तो कौरव और पांडव सूर्यास्त के बाद एक दूसरे की टेरिटरी में जाके मिलते थे। मतलब ऐसी स्टोरीज है कि कौरव पांडवों के साथ बैठ के खाना भी खाते थे, जिनके साथ दिन में युद्ध लड़ रहे उन्हीं के साथ रात को बैठ के खाना भी खा रहे, क्योंकि है तो एक ही प्रजा थी ना। कुछ लोग कौरव की साइड हो गए थे, कुछ लोग है तो सब भाई भाई ना। तो एक बस युद्ध के लिए एक दूसरे के साथ नहीं थे, अदरवाइज तो सब है भाई भाई। तो रात को वही लोग जो दिन में लड़ रहे हैं वो लोग रात को साथ में बैठ के खाना खाते थे। तो बेसिकली युद्ध शांत तरीके का था। शांत मतलब युद्ध तो मारकाट का ही था, लेकिन उनके एक दूसरे के घर में घुस के नहीं लड़ा। उन्होंने युद्ध कहां लड़ा था? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो हमें भी ध्यान रखना है दोनों एक दूसरे के घर में नहीं घुसेंगे। युद्ध कहां होगा? कुरुक्षेत्र में। एंड दैट कुरुक्षेत्र इज कॉस्टिंग पीएनएल। आ रही बात समझ में? बताओ साहब, इसमें
इस तरह के पॉइंट में किसी को कोई आपत्ति है? नहीं। अब मेरी बात सुनो, जर्नल एंट्री सारी समझ में आ गई, लेजर अकाउंट सारे समझ में आ गए, अब मेरी बात सुनना प्लीज। हेलो, आवाज एकदम बंद करो और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अब हमें एक ऐसा क्वेश्चन उठा लेना चाहिए जिसमें सारी जर्नल एंट्रीज एक साथ एक ही क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको पूरे के पूरे इस ट्रांजैक्शन का एक सही साथ फ्लो समझ में आ जाएगा कि कैसे अपने को ये सारे ट्रांजैक्शंस करने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए एक ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए जो है एक बाप क्वेश्चन। बाप क्वेश्चन इस तरीके का कि है ये बहुत अच्छा और बड़ा क्वेश्चन, पर उस क्वेश्चन को करने से आपको पूरे के पूरे चैप्टर का एक फ्लो समझ में आ जाएगा, और अगर फ्लो समझ में आ गया ना तो फिर बाकी सारे स्पेशल केसेस समझना बहुत आसान हो जाएंगे। तो वी हैव ए वेरी नाइस क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। आइए सब लोग,